हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, आ रहे हैं? हेलो, हाँ जी, ऑडियो वीडियोस ओके। हाँ यस सर, तो स्टार्ट करें करें स्टार्ट। चलो जी, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? नहीं पता? हाँ वही तो, बाबा की बूटी नाम का डायग्राम हमारा चल रहा है। इसमें हमने देखा क्या गुड्स है, क्या सर्विस है, क्या कुछ भी नहीं है। फिर हमने पाया कि अगर गुड्स या सर्विस है, यार बोतल के तो मैं ऐसे, मैं रुक गया, किसी के बच्चा गिर गया जैसे, अभी मैं डर गया। चारों तरफ से एक साथ ऐसा, तो सप्लाई का जो डिस्कशन है वो हमारा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, चिंता मत करो तुम, ये पिलर आपके हमारे बीच में नहीं आएगा। सप्लाई का जो डिस्कशन है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले में बताया जाता है कि सप्लाई किसे कहते हैं, जिसमें देखा कि विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी। विदाउट कंसिडरेशन में जब हम बात करते हैं तो वहां पर चार बातें निकलकर आती हैं। चार कौन कौन सी? आरबीआई की एजेंसी, आर फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, या ट्रांजैक्शन इन बिटवीन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हो, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने पर भी वो वहां पर सप्लाई बन जाती है। बी का मतलब था बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर, यदि यदि आईटीसी आपने ले रखा है तो, अदरवाइज नहीं। फिर तीसरा पॉइंट आया उसके अंदर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, किसी अपने से लिया हुआ हो, बिजनेस पर्पस के लिए हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो, उसे भी सप्लाई बना दिया जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट वाज कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, चाहे प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई दे रहा हो या एजेंट से ले रहा हो, इन बोथ द सिचुएशंस, क्योंकि ये आपस में गुड्स को सेल नहीं करते, ट्रांसफर करते हैं, बेचते नहीं भेजते हैं। फिर यहां आया कि कभी कभी कंफ्यूजन्स आती हैं कि सप्लाई तो बन गई है पर किसकी, गुड्स की या सर्विस की, तो उसके लिए यहां पर बात की जाती है। फिर नेक्स्ट पर हम आए थे नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई पर। वहां हमने देखा न्यू मैजिक ऑफ WG लिकर वाले, न्यू मैजिक का एन था। ये वो चीजें हैं जिनकी रूट ही निकाल रखी है, जिन पर सरकार को लगता है कि न जीएसटी आज लेना है और न भविष्य में कभी लेना बनता है। न्यू मैजिक, एन का मतलब था एनटीटी टू एनटीटी, बाहर से बाहर गुड्स जा रहा है, हमें क्या मतलब, जान दो, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। और इस मेन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट देने के लिए जो इंटरमीडियरी ने अपनी सर्विस दी थी उसका क्या? तो जब मेन ट्रांजैक्शन पर ही जीएसटी नहीं है, रूट ही निकाल के फेंक रखी है, तो क्या सपोर्टिव ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाने में मजा आएगा? नहीं, उसको रूट तो नहीं निकाली पर उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, एनटीटी टू एनटीटी। एंड उसके बाद न्यू मैजिक एनई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, जो सैलरी मिली उस पर जीएसटी नहीं है। मोर ओवर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट वगैरह देता है उस सैलरी का हिस्सा
नहीं होता, तो उसमें एक लिमिट आ जाती है। लिमिट आई थी गरीबों को सपोर्ट करने के लिए, 50,000 पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर तक अगर है तो उस केस में नो सप्लाई, इसके ऊपर जाते सप्लाई बना दिया जाएगा। न्यू मैजिक डब्ल्यू, डब्ल्यू था वेयर हाउस, कस्टम का वेयर हाउस। हमें कस्टम वेयर हाउस में एक बॉर्डर याद रखना चाहिए, जो कस्टम बैरियर था, उसके पीछे जो हो रहा है पर्दे के पीछे हो रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। उसके पर्दे से जैसे ही बाहर निकलेगा, कस्टम बैरियर से जैसे ही बाहर आता है, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। अब आईजीएसटी जब आया तो इससे कहा कि भाई इसे तो दो दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, थोड़ा ईज के लिए बोल दिया कि ठीक है आप ही इसका कलेक्शन वगैरह कर लेना। तो वहां जो आईजीएसटी है वो बिल्कुल वैसे रहता है जैसे मैं दिल्ली का व्यक्ति पुणे में रह रहा हूं, यहीं का बिहेव, यहीं का कल्चर मैं अडॉप्ट कर रहा हूं धीरे धीरे जब तक मैं यहां पर हूं। यहीं का खाना, खाने में टेस्ट में अंतर होता है, वहां का अलग है यहां का अलग है, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं ये भी इसमें भी लाइक इन्वॉल्व हो जाऊंगा मैं। तो ऐसे ही जब आईजीएसटी कस्टम के घर में जाके रहेगा तो अकॉर्डिंगली वो भी मीठा खाना शुरू कर देगा। उसने गाना गाया इंपोर्ट ड्यूटी के लिए कि तू जहां जहां रहेगी मेरा साया साथ होगा, तू जैसे करेगी मैं वैसे करूंगा, तू प्रीपेड है मैं भी प्रीपेड हो जाऊंगा। इसे कहते हैं मोहब्बत है। उसके बाद उसने कहा था कि जिस वैल्यू पर आप कैलकुलेट होगी लगभग वैसे ही वैल्यू पर मैं भी कैलकुलेट हो जाऊंगा। तो इसलिए अगर कस्टम बैरियर से पहले कोई ट्रांजेक्शन होती हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए वहां पर आईजीएसटी भी नहीं लगेगा। पर्दे के पीछे जो मर्जी करते रहो कोई कुछ भी करने वाला नहीं है, लेकिन पर्दे से जैसे ही बाहर निकल के आओगे, कस्टम बैरियर से जैसे ही बाहर आओगे तो वही पकड़ लेंगे आजा मेरे राजा। और जितना भी उसकी फाइनल वैल्यू थी जो भी उसकी वैल्यू थी उस वैल्यू पर जीएसटी लगवा दिया जाएगा जो फाइनल वैल्यू थी। तो प्रैक्टिकली आपने नोटिस किया कि यहां पर ऐसा नहीं कि जीएसटी को छोड़ रहे हैं, जीएसटी को डेफर कर रहे हैं हम लोग। एम आई राइट? यस। न्यू मैजिक एम का मतलब मॉर्चरी हो गया था और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन वो आ गया था। एम ए एक्शनेबल क्लेम, जी गवर्नमेंट पीपल्स जो होते हैं ये एमपी एमएलए सीएम, इनको कुछ नहीं जीएसटी भरना पड़ता। मैजिक आई मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंप्लीटेड बिल्डिंग या लैंड या कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज इट्स लाइबल टू स्टैंप ड्यूटी। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की जो सेल होती है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाता है। इसके पीछे का भी लॉजिक दूंगा जब चैप्टर में आऊंगा कि क्यों, ये भी तो प्रैक्टिकली सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है, पैसे इंस्टॉलमेंट में ले ली तो इसका क्या मतलब कि जीएसटी लग गया, अटपटा सा लगता है। पर चिंता मत कीजिए, एक एक बात बारीकी से बताऊंगा कि क्यों क्यों हुआ ऐसा। उसके बाद न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यू जी लिकर वाले, अब आता है आपका सी, सी रह गया ना वहां पे, कोर्ट कचहरी एटसेट्रा जो अपने होते हैं ट्रिब्यूनल्स वगैरह, तो जस्टिस जो है वो फ्री होना चाहिए, गवर्नमेंट के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है फ्री तो नहीं करते बट जीएसटी फ्री जरूर कर देते हैं इसको हम, तो यहां रूट से ही निकालकर जीएसटी फेंक दिया जाता है। उसके बाद फिर आगे बात चली कि भाई डब्ल्यू जी, अब डब्ल्यू जी की हम आगे बात कर रहे हैं, ये डब्ल्यू जी कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेरे बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ना एक आर्टिकल है, सीओआई में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 243G और W, 243G एंड 243W करके है। इस आर्टिकल में कई सारे काम ऐसे हैं जो अलॉट कर रखे हैं। जब संविधान हमारा भारतीय का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बता सकता है कि आपका रेवेन्यू किन किन सोर्सेस से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का किन सोर्स से आएगा, इनकम टैक्स से आएगा, एक्साइज ड्यूटी से आएगा, स्टेट का किन सोर्सेस से आएगा,
म्युनिसिपैलिटी का रेवेन्यू किस सोर्स से आएगा? अगर वो सोर्स बता सकते तो ये भी तो बताएंगे कि आपको ये काम करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सिर्फ पैसे ही दे देंगे उनको। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया एक आर्टिकल है जिसमें बहुत सारे काम करने को बताए गए हैं जो कि गवर्नमेंट को करने होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ये स्ट्रीट जो लाइट्स होती हैं इनका रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहता है। कौन करती है इसे? सरकार करती है, हम नहीं करते हैं। जो भी कॉमन फैसिलिटीज हैं उनके लिए, चाहे अपने ये रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, इनको बनाना, इनका रिपेयर मेंटेनेंस सब इन्हीं के हाथ में होता है। जो गवर्नमेंट के पार्क्स होते हैं इनका भी रिपेयर मेंटेनेंस सब इन्हीं के हाथ में होता है। तो इस प्रकार से ढेरों ऐसी कॉमन फैसिलिटीज जो हम अवेल करते हैं सब मिलकर, जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, उनका रिपेयर मेंटेनेंस भी सब गवर्नमेंट के हाथों में ही होता है। तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जब ये वाली सर्विसेज कोई गवर्नमेंट देती है तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमसे कुछ ना कुछ चार्ज किसी ना किसी तरीके से ले लिया जाता है। तो क्या इनकी इस एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? यस और नो? आवाज नहीं आ रही? नहीं लगना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट बहुत तेज पड़ रही है। गवर्नमेंट आप देखेंगे एंटायर जीएसटी के अंदर कई सारी एक्टिविटीज को उन्होंने गेट नंबर 2 से बाहर निकाला है। जो रह गई हैं उनको ये गेट नंबर 5 से निकालेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, पासपोर्ट बनवाना, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और ढेरों जो सर्विसेज गवर्नमेंट देकर चलती है, तो उनको इन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा है। कुछ उसके बाद कुछ ऐसी सर्विसेज जो ना कि गेट नंबर 2 से बाहर गई, ना ही वो एग्जेम्प्ट हुई, मतलब जिन पर टैक्स लगना है, तो पता है वहां गवर्नमेंट ने क्या चाल चल रखी है कि जिन पर मजबूरी आ गई कि टैक्स लगना ही चाहिए, वो मजबूरी ऐसे आती है कि प्राइवेट प्लेयर के साथ कंपटीशन कभी कभी हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में ये काम हो रहा है तो यहां तो जीएसटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है तो जीएसटी क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे बसेस की बात करते हैं, जो टूरिस्ट वाली बस होती है उसे प्राइवेट सेक्टर भी चलाते हैं और उसे गवर्नमेंट सेक्टर भी चलाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वाली जो टूरिस्ट बस है उस पर जीएसटी लगे और जो आपकी ये गवर्नमेंट सेक्टर वाली टूरिस्ट बस है इस पर जीएसटी ना लगे, तो क्या ऐसा लॉ सही होगा? पैरिटी मेंटेन होनी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट के बीच में इक्वल फील्ड होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ एक मजबूरियां आ जाती हैं जिसके चलते हुए गवर्नमेंट को अपने ऊपर भी जीएसटी लगाना पड़ जाता है। मैं प्रूफ करूंगा आपके लिए कि जब जब गवर्नमेंट एक्टिविटीज पर जीएसटी लगा है तो वो एक मजबूरी ही होती है, लेकिन उसमें सरकार ने एक खेल खेल दिया। पता है क्या उन्होंने कहा? कि ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट हूं, मेरी गवर्नमेंट एक्टिविटी पर जीएसटी लगेगा तो हम नहीं भरेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा। या तो लगने ही नहीं देंगे अपने ऊपर, रूट निकाल के फेंक दी, ट्रिम कर दिया, और अगर लगाना पड़ भी गया मजबूरी में तो वो फंदा, वो छल्ला आपकी तरफ उछाल दिया जाएगा, रेसिपिएंट की तरफ, कि जीएसटी आप भरोगे। और सीधी सी बात है, जब आरसीएम लगता है तो सप्लायर को जीएसटी नहीं भरना, तो क्या वैसे में सप्लायर को रजिस्ट्रेशन भी करवाने की जरूरत पड़ेगी क्या, जब भरना ही नहीं है? तो गवर्नमेंट ने अपने आप को यहां पर सेफ कर लिया। ऐसा सरकार यहां पर करके चलेगी। तो उसी सीरीज के चलते हुए पहली बार आप देख रहे हैं कि ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डिफाइंड हैं, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और सुनो, 243WG लीकर वाले, ये लीकर वाले क्या है? आपने शराब का ठेका देखा है? किसने देखा है? अरे गुड, ऐसे पास जाके देखा, दूर से देखा है? जो ना पास से देखा हो, बहुत करीब से देखा हो जिसने? अच्छा, तो यह है, यहां पर लिखा होता है, आपके हिंदी में लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है? लिखा होता है ठेका, ठेका देसी शराब, और नीचे लिखा होता है हमारे यहां ठंडी बियर भी मिलती है। ये होता है ना, हमारे यहां ठंडी बियर भी मिलती है। अब देखते हैं, नहीं, ये आपके सामने एक चैलेंज आ रहा है। मैंने हमेशा
जब मैं सेमिनार में आया था यहां पर, तब भी मैंने यही कहा था कि मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं किताब पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, नहीं, मैं तो सिचुएशन डालूंगा, बनाओ अपना, जो करना है करो। तो ये आ गया ठेका देशी शराब। चाहे आपने पास से देखा हो या ना देखा हो, कमेंट आपको यहां पर जरूर करना है। जब यहां से शराब बेची जाती है, लिकर सेल किया जाता है, तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? यस और नो? नहीं आएगा, क्योंकि वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। वेरी गुड। दूसरा, क्या इस शराब के ठेके वाले को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? पार्टिसिपेट सबको करना भाई। देखो, अब मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, आंसर गलत सही जो मर्जी हो यार, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर किया करो। ये भी मत किया करो कि मेरे पड़ोसी ने बोल दिया तो मैं ना बोलूं, ऐसे मत किया करो। हाँ, इनको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा। नो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ग्रेट। ये ठेका चलाने के लिए इनको गवर्नमेंट से ना एक लाइसेंस लेना पड़ता है। यहां ये जाते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में कि साहब हमें ना ये लाइसेंस दे दीजिए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, लाइसेंस हम आपको दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको चुकाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे 10 लाख रुपए। ऐसे होता है? इतना जाता है लाइसेंस के लिए? जाता है 10 लाख रुपीज। अब इसमें ये बताइए, ये तो था यहां पर बेवड़ा जो रोज यही बोलता था आज गड्डी तबाही चलाएगा, लेकिन 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 क्या हुआ? ट्रांजैक्शन नंबर एक तो ये थी और एक ट्रांजैक्शन ये भी है। ठीक बोल रहा हूं मैं? इस ट्रांजैक्शन में सप्लायर कौन है? लाइसेंस वाली ट्रांजैक्शन में सप्लायर कौन है? बोलो साहब। गवर्नमेंट। सप्लायर हो गई सरकार, रेसिपिएंट कौन है? ठेके वाला। इसका नाम दे दे कुछ है? तुम्हारा नाम क्या है? संजिल। इसका नाम है टी 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 टी। चलो शुरू हो जाओ। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं कि सर्विस की बात कर रहे हैं? और रियली ये सप्लाई है क्या? आप कहां ढूंढ रहे हो सप्लाई की डेफिनेशन में? विद कंसीडरेशन में कि विदाउट कंसीडरेशन में? विद कंसीडरेशन में पहली पसंद क्या होती है? एबीसी। तो क्या यहां एबीसी पूरा हो रहा है? चेक कर लो। हां, ए फॉर कौन सी एक्टिविटी हुई यहां पर? लाइफ सेल बार्टर लीज लाइसेंस, ठीक है। बी फॉर बिजनेस है, गवर्नमेंट का है। सी फॉर कंसीडरेशन है, ओ यस। तो फाइनली ये सप्लाई बन जाएगी। तो ऐसे करके हो गया इंट्रा या इंटर? इंट्रा। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूपी के लिए लाइसेंस देगी नहीं। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? हु विल लाइबल टू पे जीएसटी ऑन इट? कौन? नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो करता है सो भरता है। नॉर्मली यहां पर आपका जो एनसीएम है, एनसीएम मतलब नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, या एफसीएम भी बुला सकते हैं, तो यहां ये निकल के आएगा कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो जीएसटी का पेमेंट करेगी। कितना जीएसटी आएगा? 1,80,000। इसमें से 90,000 किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बाकी 90,000 ले भाई साहब, देने वाली भी महाराष्ट्र और लेने वाले भी महाराष्ट्र। ऊपर से ये बिना चक्कर का ईयर पड़ गया, ऊपर से सरकार, खुद सरकार जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मतलब राजा भी प्रजा की तरह बिहेव कर रहा है। सोचिए, क्या इज्जत को ठेस नहीं लगती हमारे को? क्या हम भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं?
अरे हम तो राजा है राजा। तो इन्होंने कहा सुनो भाई सुनो यार सुनो सुनो, हम नहीं भरेंगे भाई साहब। जब हम नहीं भरना चाहते तो हमारे पास दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस क्या है? आरसीएम, ये ना सही तो कोई और सही, और नहीं तो कोई बहते जाओ, रुकना नहीं है आगे। तो उन्होंने कहा चलो काम करते हैं, आरसीएम लगाते हैं और ये जो व्यक्ति था लाइसेंस जिसको दिया है हमने उससे जीएसटी लेते हैं, पर ठहरिए ये शादी नहीं हो सकती, रुको रुको। आरसीएम आरसीएम इंपोज करने का रूल क्या है? आरसीएम लगाने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? मांगो उसी से जो, अब सोचिए तुमने सोचा तो सही कि आरसीएम लगना चाहिए, पर क्या जिससे तुम मांग रहे हो क्या वो व्यक्ति ऐसा जो तुम्हें खुशी खुशी जीएसटी दे देगा? अरे तुम उस व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसका जीएसटी से कोई वास्ता नहीं है। अरे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड तक नहीं है, उसके खुद के जो कर्म है, उसकी खुद की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो तक जीएसटी में नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो? एंड वन मोर थिंग, ये एक्टिविटी को रूटीन एक्टिविटी नहीं जिसके लिए आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे, जीएसटी मांगोगे, इट्स वन टाइम एक्टिविटी यार। तो क्या ये सही होगा ऐसा लॉ बना दूं क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करो, मैं कह रहा हूं आप अपना जवाब दो जो आपको ठीक लगे, कि मैं इसका बोलूं कि तू रजिस्ट्रेशन करवा, जाके इसका टैक्स भर और फिर तुझे इस लाइसेंस इसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी, रोज रोज तो ऐसा होगा नहीं, तो इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जाके तू कैंसिल करा लियो, मतलब अभी तू शादी कर और दो दिन बाद जीएसटी भर के तू तलाक ले लियो, ये सही रहेगा क्या? तो सप्लायर देना नहीं चाहता, रेसिपिएंट देगा नहीं, क्या करूं? एग्जेम्प्ट। अब इसमें भी देखो, ये तो आपके दिमाग में आ गया कि जीएसटी यहां पर कलेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तब कितने आप ताकत से बोलोगे कि नो जीएसटी? ताकत यहां दिखाओ। अगर आपने बोला कि सप्लाई नहीं मानेंगे तो ज्यादा ताकत से बोल रहे हो कि ना आज चाहिए ना भविष्य में कभी सोचेंगे ऐसा, है मैं राइट? और अगर एग्जेम्प्ट कर रहे हो तो आप हल्के से बोल रहे हो, कम ताकत लगा के बोल रहे हो कि जीएसटी नहीं चाहिए, क्या करें? एग्जेम्प्ट। अच्छा आप करो एग्जेम्प्ट, मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है, इन फ्यूचर माइट बी पॉसिबल कि लाइक ये टैक्स लिया जा सकता है। अच्छा ऐसी आपके दिमाग में है तो जरा ये बताओ कि फिर क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कल को शराब जीएसटी की कैटेगरी में आ जाए, है ना, और उस पर फिर जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा तो फिर यहां पर भी जीएसटी आ जाएगा? पर शायद आप भूल गए कि जो लिकर थी वो आर्टिकल नंबर 366 से बाहर निकली हुई थी, उसको यहां पर लाना मतलब कि शेर के मुंह से निवाला छीनना के बराबर है। मैंने कहा था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बाहर ही खड़े हैं, जीएसटी काउंसिल बोलेगी आजा, वो आ जाएगा। लेकिन शराब को बुलाना, शराब तो बैठी है मंगल ग्रह पर, वहां से बुलाने के बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओनली आफ्टर दैट वी कैन ब्रिंग द अल्कोहलिक लिकर इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो मुझे फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा कि इस तरह से इस पे जीएसटी लिया जा सकता है, तो लॉ कैसा बनाऊं? मैं अभी भी मजबूर नहीं कर रहा आपको कि आप सप्लाई ही बोलो। आपने बोला एग्जम्पशन देंगे, मैंने मना नहीं किया कि ऐसा मत करो, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा कि देखो मुझे ऐसा लगता है आगे, अब बाकी आपका व्यू बताइए। मैंने इनपुट दिया आपको, सप्लाई ना बनने दूं या एग्जम्प्ट करूं, पक्का ना ये बात? तो हमने कहा कि ठीक है भैया ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लोमड़ी उछली थी, अंगूर हाथ नहीं आए थे, तो लोमड़ी क्या बोल रही है? चल हट, अंगूर तो खट्टे हैं, चल हट, हम इसे सप्लाई नहीं मानते। अरे तुम पूरी कोशिश करके बैठ गए, तो इसलिए इन्होंने इसे यहां से सप्लाई नहीं माना। सप्लाई बन तो गई थी लेकिन स्पेशली मना किया कि इसे हम नेगेटिव लिस्ट में डालेंगे, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। बच्चा मेरे पॉइंट तो एक लाइन का होता था, यह रटवाने में हंसी मजाक में यूं निकाल देता, लेकिन आप जड़ तक नहीं पहुंच पाते ना कि यार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आगे बढ़िए, तो न्यू मैजिक ऑफ WG लिकर वाले,
ये जितनी एक्टिविटीज आपने पढ़ी हैं सब के सब आपकी सप्लाई नहीं है। गवर्नमेंट फोर्सफुली कह रही कि ना जीएसटी चाहिए और ना जीएसटी अब, ना अब चाहिए ना फ्यूचर में चाहिए। करेक्ट है साहब, आगे बढ़िए। आगे जो फोर्थ पार्ट आता है उसमें तो हम बात पहले भी कर चुके हैं, ये अपना है ना यहां पर, ये फोर्थ पार्ट जो है अपना बंडल्ड सप्लाई, याद है हमने बात की थी नेचुरल बंडल और आर्टिफिशियल बंडल, कि बंडल अगर नेचुरल तो ट्रीटमेंट भी नेचुरल, और बंडल अगर आर्टिफिशियल तो ट्रीटमेंट भी। मैं आपसे पूछता हूं, मैं मेरी क्लासेस आपको दे रहा हूं जिसमें मल्टीपल सप्लाईज हैं, मेरे लेक्चर्स भी हैं, मेरी किताबें भी हैं, बुक्स भी है, गुड्स भी है, सर्विस भी है, ये बंडल कैसा है? बंडल उसे बोलेंगे ना जहां टू और मोर सप्लाईज आर गिवन टुगेदर एट ए सिंगल प्राइस, ही तो होगा ना बंडल, इकट्ठा करके, जैसे आपके पास पेन का बंडल होता है इकट्ठे कर लेते, अकेले को थोड़ा ना बंडल बोलूंगा, बीड़ी का बंडल। एक बात बताऊं, 2016 में जब पहली बार जीएसटी मैंने देखा था, ये मॉडल जीएसटी लो आया था, तो बंडल सर्विस पढ़ के मेरे दिमाग में यही आया था, बीड़ी के बंडल की बात कर रहा है क्या, ये कौन सा बंडल आ गया? ठीक है, तो हाँ साहब, तो ये जो मैं आपको बंडल बनाकर दे रहा हूं, ये कैसा बंडल, नेचुरल या आर्टिफिशियल? नेचुरल वो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जनरल प्रैक्टिस में नॉर्मली ऐसा होता है, और वो जो बंडल बना के दिया जा रहा है उसमें वो जो सप्लाईज हैं वो एक दूसरे के लिए कॉम्पनसेटरी हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं या कंजंक्शन में हैं, इंडिपेंडेंट, ज्यादा कोई नहीं, दिक्कत हो जाएगी इंडिपेंडेंट देने में अलग अलग। मैं आपको किताबें ना दूं, बुक्स ना दूं, सिर्फ लेक्चर ही दूं तो ठीक है दे दूंगा, बट मजा नहीं आएगा, और मजा आना बहुत जरूरी है किसी काम में, मैं तो अपना बता रहा हूं और आपको भी सीख दूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे को वैसा बनाना चाहता है जैसा कि वो खुद है। पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? पत्नी चाहती है पति मेरे जैसे बन जाए और पति चाहता है पत्नी मेरे जैसे बन जाए, ये तो चक्कर है। तो मैं आपको वैसा बनाऊंगा जैसा मैं खुद हूं। मैं क्या करता हूं कि किसी भी काम में, किसी भी काम में आप मजा ढूंढिए, और अपने आप से ना कहना शुरू करो, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कैसे। मैं अभी सीढ़ियों पर एक बच्चा आ रहा था, मैं उसको भी बता रहा था, जब घर से आओ ना निकल के कोई पूछे कहां जा रहे हो तो आपका एक जवाब होना चाहिए, मजे लेने। जब वापस घर जाओगे, हॉस्टल जाओगे, पूछे कोई कहां से, अगर मजे लेकर, नहीं मिस इंटरप्रेट मत करो मजे को, मजे मतलब यह है कि जब यहां से मजा आया आपको निकल के, मजे लेकर। और अभी आप क्या कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे मजे ले रहा हूं, आप मुझसे मजे ले रहे हो, और मजे मजे में जीएसटी आपका हो जाएगा। तो अब क्या है, अब क्या है यहां पर, कि जो बंडल नेचुरल था, तो अगर मैं आपको ये ओनली लेक्चर्स दूं, बुक्स ना दूं, तो मजा नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा पर मजा नहीं आएगा। लेकिन लेकिन तो इसे हम कैसा बंडल बोलेंगे, ये एक जरूरी, ये एक जरूरी बंडल है, ये एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा होता है, तो इसे बोलेंगे नेचुरल बंडल, नेचुरल बंडल। और नेचुरल बंडल है तो अब इसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि इसमें कौन सी सप्लाई मेरी प्रिंसिपल सप्लाई है, उसमें से क्लासिफाई किया जाएगा। तो बुक्स मोर इंपॉर्टेंट और माय लेक्चर्स इज मोर इंपॉर्टेंट, लेक्चर्स, लेक्चर्स। तो द होल, द बाबूजी, द होल बंडल विल बी कॉल्ड एज विद द नेम ऑफ क्लासेस सर्विसेज। अब ऐसे करने में क्या हुआ कि बुक्स आपको लेक्चर्स में डाइल्यूट कर दिया, अब बुक्स का एग्जिस्टेंस हमने खत्म मान लिया कि भाई जो प्रिंसिपल है उसको उसी के नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने बोर्डिंग स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया था, वहां पर एजुकेशन प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है, तो पूरे के पूरे 50,000 जो पर मंथ जाते हैं उसको एजुकेशन के नाम से क्लासिफाई कर देते हैं, क्योंकि नेचुरल बंडल में एक प्रिंसिपल एक्टिविटी भी होनी जरूरी है, प्रिंसिपल सप्लाई होनी जरूरी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही थी, उसमें कुछ साइट फॉर्मेशन की सर्विस भी शामिल थी, कंस्ट्रक्शन प्लस साइट फॉर्मेशन की सर्विसेज, इकट्ठा प्राइस था 5 करोड़ रुपीज़।
नेचुरल बंडल है या आर्टिफिशियल। मैंने किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, साइट को फॉर्मेट करना मतलब लेवलिंग करना, उसमें बोरिंग करना, दैट इज साइट को प्लॉट को कंस्ट्रक्शन के लिए प्रिपेयर करना एंड आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो साइट फॉर्मेशन भी उसी पार्टी को करना था, कंस्ट्रक्शन भी उसी को करना था, पूरा प्राइस था 5 करोड़ रुपीज का। तो ये बंडल है क्या? ये नेचुरल बंडल है। प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? कंस्ट्रक्शन। द होल बंडल विल बी क्लासिफाइड एज। अब हो सकता है कि साइट फॉर्मेशन की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पर जीएसटी का रेट 5% हो, कंस्ट्रक्शन पे 12% हो, तो पूरे बंडल पर रेट क्या आएगा? मान लीजिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर 5% का जीएसटी रेट है, साइट फॉर्मेशन पर 12% का, तो कौन सा आएगा? 5%। हम ये नहीं देख रहे कि किसको फायदा किसको नुकसान ज्यादा या कम, हम नेचुरली बात कर रहे हैं, हम नेचुरली बात करें। बंडल नेचुरल, ट्रीटमेंट भी नेचुरल के, ठीक है यार, विच जो भी इसमें प्रिंसिपल सप्लाई अकॉर्डिंगली उसमें आप क्लासिफाई से कर दीजिए। लेकिन जब बंडल आर्टिफिशियल होगा तो हमारा ट्रीटमेंट भी आर्टिफिशियल ही होगा। दिवाली के गिफ्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था कि उसमें कैश्यू नट्स भी हैं, आलमंड्स भी हैं, स्वीट्स भी हैं, और लाइक जो कैंडल्स हैं वो मोमबत्तियां जो होती हैं, दिया कह सकते हैं आप उसे, वो भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें क्या ये ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के लिए जरूरी हैं? दैट कैन बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली वेरी वेल। दूसरा, क्या इनके बीच में कोई ऐसा आइटम है या सप्लाई है जो प्रिंसिपल है, जो दूसरों से अलग है? ऐसा कुछ भी नहीं, ऑल आर इंडिपेंडेंट, सब अपने अपने आप में मंत्री हैं। तो ऐसे में ये बंडल आर्टिफिशियल था, और बंडल आर्टिफिशियल होगा तो ट्रीटमेंट भी आर्टिफिशियल, क्योंकि मेरी मजबूरी है, समझिए मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि भाई जोन सा मुझे प्रिंसिपल दिख जाए मैं उसमें क्लासिफाई कर दूंगा, पर मुझे प्रिंसिपल दिखाई नहीं, मैं करूं क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, इसमें जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स वाली कॉमोडिटी है ना, उस पर आप टैक्स लगा दीजिए। इनमें इस कॉमोडिटी में किसी में 5% का रेट होगा, किसी का 12% होगा, किसी का 18 होगा, किसी का 28 होगा, तो होल बंडल होल वैल्यू विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 28%। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें तो फिर ये गलत हो गया कि 5% वाली कॉमोडिटी भी 28% की चक्की में पिस गई। बात बिल्कुल ठीक है, पर कर भी क्या सकते हैं? तो इसमें एडवाइस यही दी जा सकती है कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो क्यों बंडल बनाते हो आर्टिफिशियल? बंडल भी तो आप ही ने बनाया ना, मत बनाओ ना, मत बनाई बंडल। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, एक बिल्डिंग है, और वो 1 लाख रुपए के इकट्ठे रेंट पर दे दी जाती है, पॉसिबल है? एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए और एक रेजिडेंशियल के लिए है। जो रेजिडेंशियल वाली होती है उस पर जीएसटी का रेट 0% है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स में आता है। लेकिन जो कमर्शियल के लिए जो दुकान है शोरूम है, वो जीएसटी कैटेगरी में आता है, पर हमने पूरी बिल्डिंग 1 लाख के किराए पर दे दी है। अब बताइए बंडल कैसा है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल बंडल होने के चलते इस पे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी आ जाएगा पक्का। अब आपको ये तो गलत है, ये तो रेजिडेंशियल वाली यूनिट पर भी आ गया है, तो एडवाइस तो यही है क्लाइंट को कि काम पैसे काम करते क्यों फिर तुम, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग कर लो ना, क्या दिक्कत है? बस जितना रेजिडेंस वाले का उतना एक उसका रेंट एग्रीमेंट या वैल्यूज को खोल दीजिए, बंडल बनाते क्यों हो? तो जब उल्टी पुल्टी काम आप खुद करोगे तो गवर्नमेंट तो आपको इस तरह से बिहेव करेगी ना, हाँ या ना? पर इसमें क्या कर सकते हो, मान लीजिए जो रेजिडेंशियल वाली थी उसका रेंट 40,000 था, कॉमर्शियल वाली का 60,000 था, आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, यहां पर क्या करेंगे? रेजिडेंशियल वाली को ज्यादा एलोकेट करने की कोशिश करोगे कि 90,000 में रेजिडेंशियल है, 10,000 में दुकान है, सो दैट के 10,000 पे जीएसटी लग जाए, ये करोगे? इतना भी क्यों? 99,999 रेजिडेंशियल के लिए है, दुकान तो 1 रुपए में है, 1 रुपए पे ले लो जीएसटी। ये वही कहानी आ गई जो काओ और पैरेट की थी। ऐसा नहीं है आप सीए हो तो वो भी आईआरएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो भी देख लेंगे, अच्छा 1 रुपए में कौन सी दुकान मिल रही है, ओपन मार्केट वैल्यू चेक कर लेंगे वहां पे आके। उनका बीफा बैठा हुआ है, वो बीफा इंडिकेट बैक कुछ नहीं करता, वो इंडिकेट करता, यहां जाके देखो इसका येलो कलर है, इसका रेड कलर है, इसका ये कलर है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि वहां जाओ जाके चेक करो। तो हम जितने अपने आप में क्लासरूम में बैठकर या ऑफिस में बैठकर चतुर बनते हैं ना, क्लेवर बनते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, भाई साहब वो भी एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर है,
इतनी आसान नहीं होता कि हम कुछ भी अपने आप से मन से बना लें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वन मोर क्वेरी, एक अपिकल क्वेरी आ रही थी सर। जैसे आप बताते हैं कि पत्नी ने पति को सर्विस दी, डिजाइन बनाकर दिया है, तो उस पर जीएसटी आ जाएगा। सर पता कैसे चलेगा? बात तो बिल्कुल ठीक है, भाई डाइनिंग टेबल पर खाना खाते खाते पत्नी ने डिजाइन बना दिया, पति देव को पकड़ा दिया कि लीजिए बनाइए अपना ऑफिस, तो हमारा लॉ कह रहा है कि जीएसटी लगेगा, लेकिन पता कैसे लगेगा? कौन पूछ रहा है? माना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन डाइनिंग टेबल तक तो ना झांक के देख रहा है। तो देखिए, ये तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर आपको खुद की सोल, अपनी आत्मा की सुननी पड़ती है। लीगली इट इज टैक्सेबल, बट प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई टैक्स इस पे भरेगा, और शायद ये सिचुएशन भी ऐसी कि शायद पकड़ में भी नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम में तो हमें यही लिख कर आना है। लॉ तो ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि लॉ ऐसे नहीं बनाया जाता कि ठीक है जिन जिन ट्रांजेक्शन को पकड़ा जा सकता है उन्हीं उन्हीं पर जीएसटी लगाएंगे, ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, अच्छा, तो आपका ये डिस्कशन यहां पर हुआ ओवर, सप्लाई आपका कंप्लीट हो गया मालिक, चार हिस्सों में था। नाउ वी आर मूविंग टू कि ठीक है भाई, गुड्स है, सर्विस है, सप्लाई भी बन गई है, अब तीसरा राउंड खेलने के लिए जा रहे हैं। क्या सप्लाई बन जाने तक यहीं पर मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं जीएसटी लग जाएगा? नहीं, अभी तो और भी है, याग का दरिया डूबकर जाना है, अभी तो रुको जरा। इंट्रा या इंटर, सप्लाई का नेचर बताइए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं सप्लाई का नेचर क्या होता है। एक तरफ ओरिजिन देखिए, एक तरफ डेस्टिनेशन देखिए, और दोनों के बीच में बॉर्डर अगर आ जाता है तो इंटर, वरना इंट्रा। पर आपको ये सुनकर खुशी होगी या दुख होगा मुझे नहीं पता, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है, और इस अकेले चैप्टर में 3 क्लासेस लग जाती हैं आपकी, 3 क्लासेस। पर एक बात और बताऊं, अब खुशी को गम में, गम को खुशी में बदलूंगा मैं। अंदर की खबर है कि आज या कल में न्यू सिलेबस आ जाएगा, जो उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है न्यू सिलेबस की, वो आ जाएगी। और मेरे पास जो हल्की फुल्की खबर है कि न्यू सिलेबस में आपका यह चैप्टर शामिल है, और नवंबर 2023 से न्यू सिलेबस की कुछ बात चल रही है। अगर यह चैप्टर शामिल हुआ वाकई में, तो मैं आपको YouTube पर, मेरे चैनल पर, या एकत्वम के चैनल पर भी अवेलेबल करवा दूंगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, विद नोट्स आपको मिल जाएगा। सीए फाइनल लेवल पर कोई चेंज नहीं है न्यू सिलेबस में, इंटर लेवल पर एक ये चैप्टर और एक और छुटकू सा चैप्टर अलग से, ये 2 चैप्टर बढ़ने की उम्मीद है। अगर बढ़े तो आपको विद नोट्स ये मिल जाएंगे पब्लिकली, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो पता होगा कि क्या बढ़ा है और क्या करना है, सब डायग्राम में तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि गुड्स या सर्विस की सप्लाई हो, इंट्रा या इंटर हो, वो एक टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होनी चाहिए। टैक्सेबल पर्सन कौन? व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन कब बन जाता है? जरा पकड़िए बात को। एक व्यक्ति के ऊपर जीएसटी की जिम्मेदारी कब आती है? एक डायलॉग सुना है, तो शादी करा दो, जिम्मेदारी आएगी तो खुद ब खुद संभल जाएगा। तो यह क्या है कि एक व्यक्ति जैसे ही रजिस्ट्रेशन, प्लीज, जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके ऊपर जीएसटी की जिम्मेदारी आ जाती है। शादी के बाद लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, अभी तो यूं ही घूम रहे हो किलकारियां मारते हुए, है ना, शादी होगी तो पता लगेगा तुम्हें। तो मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, नेचुरल सी बात है। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी ना, एज एज के अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसकी शादी हो गई है, उसके ऊपर जीएसटी की जिम्मेदारी आ जाएगी। अब शादी 3 सिचुएशंस में हो सकती है। नंबर 1, एज वाइज, बच्चे की एज 21 साल हो जाएगी, शादी के लिए एलिजिबल हो जाएगा और शादी हो भी जाएगी, सीए बन जाएगा, 30-35 लाख का पैकेज इनिशियली मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। दूसरा, कभी कभी क्या होता है
कि भले ही बच्चा शादी के लिए एलिजिबल ना हो, बट फैमिली में कुछ ऐसे सरकमस्टांस बन जाते हैं कि कम उम्र में कभी कभी बच्चों की शादी करनी पड़ जाती है। आप मानते इस बात को? होता है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई सडन मिस हैपनिंग हो जाती है, अब घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है, तो इस तरह की एक ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं घरों में कि शादी जल्दी करनी पड़ती है। वहां फिर एज को नहीं देखते हैं, नहीं देखते कि अभी सीए चल रही है कि कंप्लीट हो गई है, बस मजबूरी होती है, करनी पड़ जाती है, उसे बोलते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, जहां पर हमें लिमिट देखनी नहीं है। और तीसरा होता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, कि मेरी मर्जी, मेरा मन कर रहा है कि मैं शादी करा लूं अपनी, तो वैसे करके होता है। पर मैं कह रहा हूं, चाहे मैंडेटरी हुई हो, चाहे एज पूरी होने पर हुई हो, चाहे वॉलेंट्री हुई हो, कैसे भी हुई हो, लेकिन हुई तो सही ना, स्टेटस तो वही आया ना, नॉट सिंगल, शादीशुदा, स्टेटस तो बढ़ गया ना, वही व्हाट्सएप पे स्टेटस तो वही आएगा, सिंगल तो नहीं आ सकता ना। तो जैसे ही ये आएगा, तुरंत जीएसटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, और ऐसे शादीशुदा व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल पर्सन। तो मुझे यहां पर यही बताना है आपको, कि जी अब हम पढ़ रहे हैं अपना गेट नंबर 4 का। बाबू प्लीज इधर ध्यान दो, बातें नहीं, बातें नहीं। यहां गेट नंबर 4 है, और ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, यानी कि ये टैक्स पेयर बनेगा, और ये डिपार्टमेंट है, और इनकी होनी है शादी आज। मेरे रजिस्ट्रेशन, तो जब व्यक्ति एक रजिस्टर्ड व्यक्ति, तो रजिस्ट्रेशन के बाद में ये बन जाते हैं टैक्सेबल पर्सन। बिना शादी के कोई व्यक्ति शादीशुदा नहीं कहा जा सकता है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन नहीं बुलाया जा सकता है। तो अब आपको यहां पर यह देखना है कि हमें रजिस्ट्रेशन कब करवाना है और कब नहीं करवाना। तो पहला स्टेप आता है, स्टेप नंबर 1, इसमें है नो रजिस्ट्रेशन, यानी कि मैं कुछ वो व्यक्तियों की बात करने के लिए आपसे जा रहा हूं जिनकी कभी भी शादी नहीं होगी, वो यूं ही मरेंगे जिनका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिनको कभी रजिस्ट्रेशन का सुख नहीं मिलेगा। नंबर 1, पहला नंबर आता है इसमें, अ पर्सन, एक वो व्यक्ति जो कि एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्योर खेती बाड़ी करता है, एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, किसान है, उस व्यक्ति की शादी नहीं होगी, मतलब उसका कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेगा। करेक्ट। लेकिन ठहरो जरा, ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, या HUF, समझते हो ना HUF? हाँ, इंडिविजुअल या HUF के लिए, मीनिंग देयर बाय, मैं यहां कंपनी की बात नहीं कर रहा। टाटा के भी अपने बागान्स हैं, टी गार्डन्स। हाँ पूछ लिया करो, अगर कोई हिंदी शब्द मेरे मुंह से निकल जाए तो तुरंत पूछ लिया करो, टी गार्डन्स हैं। तो क्या वो भी यहां से बाहर निकल जाएगा? जी नहीं। अभी पीछे आपने देखा होगा दिल्ली में किसानों का एक आंदोलन हुआ था, धरने पर बैठे थे वो, प्रोटेस्ट हुआ था, इसलिए हुआ था कि गवर्नमेंट इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को कॉर्पोरेटाइज करने जा रही थी, कि अब अडानी साहब करेंगे खेती बाड़ी है, किसान लोग उसमें मजदूरी करेंगे और खेती बाड़ी को एक्वायर करके बड़े लेवल पर कॉर्पोरेट तरीके से खेती की जाएगी।
तो जब कॉरपोरेट तरीके से अडानी साहब खेती करेंगे तो क्या वो भी यहां से बाहर निकल जाएंगे? क्या उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? यस। हम तो यहां उन, जरा प्रैक्टिकली सोचिए, इमेजिन कीजिए, गांव में लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते हैं अपना, हम उनकी बात कर रहे हैं, इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे। टाटा के टी गार्डन्स हैं तो रजिस्ट्रेशन उनको लेना पड़ेगा, अडानी अगर एग्रीकल्चर में आता तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किसको नहीं लेना? इंडिविजुअल या एचयूएफ को। सर ये एक वर्ड आया है एक्सक्लूसिवली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिर्फ, सिर्फ तुम। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आप हैं तो ही आप यहां से बाहर हैं। मान लीजिए ऐसा होता है कि मैं किसान हूं, मैं खेती बाड़ी करता हूं और मेरी एक गांव से बाहर जो शहर है छोटा सा, वहां एक फर्टिलाइजर की दुकान भी चलाता हूं, शॉप भी है, पॉसिबिलिटीज है, तो क्या मैं यहां इस लाइन में फॉल कर पाऊंगा? यस और नो? क्या मैं रजिस्ट्रेशन के जाल से बच पाऊंगा? जी नहीं, पक्का। नंबर दो, अ पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन एग्जेम्प्टेड सप्लाइज, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अगर एक व्यक्ति एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इन्वॉल्व है तो क्या उसकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी? और जब जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी तो रजिस्ट्रेशन का क्या अचार डालेगा वो? सोच क्यों कराएगा? अरे जब कमाता ही नहीं कुछ भी, एग्जेम्प्टेड में डील कर रहा है। पत्नी को दो चीज चाहिए, एक हिसाब और एक हिस्सा। हिसाब मतलब जीएसटी का अमाउंट और हिस्सा मतलब जीएसटी अमाउंट और हिसाब मतलब फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब तुम कुछ कमा ही नहीं रहे हो, तुम्हारा जीएसटी की इनकम ही नहीं है, आ ही नहीं रहा, तो फिर किस बात का पत्नी को पेमेंट करो? इसलिए पत्नी कहते चल हट, तेरे से क्या आवश्यकता नहीं है। आप सोचो आप कुछ भी ना कमाओ, अगर कोई लड़का कुछ भी ना कमाए ऐसे ही नल्ला घूमता हो, क्या शादी करेगा कोई इससे? नहीं। और एक बात ध्यान रखना, खूबसूरती ना खूबसूरती कभी भी फेयर एंड लवली से नहीं आती है। जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आप अपने आप खूबसूरत दिखने लगोगे। आज तो ये कैसा भी है, आज तो ये कैसा भी है, कल को सीए बन जाएगा, 30-35 लाख का इसके पास पैकेज भी होगा। तो फिर जब किसी शादी पार्टी में जाएगा ना, तो मुनिया के पिताजी बोलेंगे देखो कितना सुंदर लड़का है। ऐसा होता है, आप अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, अ पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन आरसीएम सप्लाईज। अब एक बात बताइए, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तुम रेसिपिएंट, और मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं, इस पर जीएसटी तो आएगा लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, जीएसटी आप भरोगे। जब जीएसटी आप भरोगे तो आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना है, रेसिपिएंट को तो रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन क्या सप्लायर को भी लेना पड़ेगा? यस और नो? यस और नो? द आंसर इज नो, सप्लायर को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेट। तो ये तीन व्यक्ति हैं यहां पर, थ्री पर्सन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है। कौन कौन से? एग्रीकल्चरिस्ट, दूसरा एग्जेम्प्टेड में डील करने वाले, एंड थर्ड वन तो आरसीएम में जो डील करते, इसमें सप्लायर को एग्जेम्प्ट कर रहा हूं कि रेसिपिएंट को? पक्का ना? जो सप्लायर, रेसिपिएंट को तो करवाना पड़ेगा, सप्लायर एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी, अब आता है आपके लिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बोलता है साहब? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। स्टेप नंबर दो पर आइएगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, जहां पर कि आपकी कोई लिमिट वगैरह काम नहीं करती है। यहां जो होता है 10 लाख 20 लाख या 40 लाख, ये ऐसी बात हम बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं। तो कब? इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं ऑफ गुड्स की, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट
टैक्सेबल सप्लाई करते हैं गुड्स की, तो हमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? तो मैंने आपको कहा था आपका जीएसटी तीन लॉ का मिक्सचर है, या ये कहिए कि पुराने तीन लॉ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां कैरी फॉरवर्ड होकर आए हैं। वैट, सीएसटी एंड सर्विस टैक्स। एक्साइज लॉ का कोई भी प्रोविजन यहां पर नहीं आया, क्योंकि उसकी तो टैक्सेबल इवेंट भी नहीं उठा के लाए थे हम, तो प्रोविजन कहां से आएगा? इसमें मैं बताता हूं क्या रीजन है। पुराने समय के अंदर जब हम लोग कुछ ऐसा करते थे कि महाराष्ट्र से गुड्स आपका दिल्ली जा रहा है, तो बताइए ओल्ड टाइम में कौन सा टैक्स लगता था? गुड्स का मूवमेंट हुआ महाराष्ट्र से दिल्ली, तो पुराने टाइम में कौन सा टैक्स लगता था? वैट लगता था इंटरस्टेट पर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी। यहां पर सीएसटी लगाया जाता था और जो पेबल होता था ओरिजिन स्टेट को, याद है ना? आप हल्का फुल्का रिवाइज करते कि नहीं करते घर पे जाकर? मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो। हम ना क्या बोलते हैं कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स की रीजनिंग होती है ना, तो ये आपको सही से दिमाग में बैठी है, तो कम से कम एक बार भले रिवाइज ना करो लेकिन रिकॉल जरूर कर लिया करो कि आज हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसका लॉजिक इससे ऐसे निकल के आया था, लॉजिक्स को रिकॉल कर लिया करो, ठीक है ना? तो सीएसटी हमारा इसको जाता है। तो पुराने समय के अंदर यहां पर इस व्यक्ति का एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था और ये था, यानी कि 10-20 लाख की लिमिट को वहां पुराने समय में भी काम नहीं करती थी। अब यही बात यहां पर आई जब हमारा ये जीएसटी आ गया है, तो महाराष्ट्र से जब दिल्ली आपका ये गुड्स जाता है, तो वहां पर आकर बोला गया कि भाई आपका आईजीएसटी लगाया जाएगा इस पे, और इस पे भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। जैसे पुराना लॉ था उसी को उन्होंने यहां पर चेप दिया है। एक और रीजन है इसके पीछे हल्का सा कि क्यों मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए आईजीएसटी आपका लगता है सपोज 10,000 का, तो इसके स्टेक होल्डर कौन कौन है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट है। एम आई राइट? अब दिल्ली गवर्नमेंट यहां पर आती है, इस ट्रांजेक्शन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, तैसी की तैसी में जान दो। मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को। अब दिल्ली में, अब कुछ समय के लिए अपने आप को दिल्ली में महसूस करो, दिल्ली में आप हैं, दिल्ली सरकार हैं आप, तो महाराष्ट्र से कोई गुड्स दिल्ली में आया है और सपोज करो इसको 20 लाख की एग्जम्पशन मिली हुई होती बंदे को, और ये अभी 5-6 लाख के लेवल पर होता, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, जीएसटी नहीं भरा होगा, एम आई राइट? तो दिल्ली सरकार को ये कैसे पता लगेगा कि जो गुड्स यहां पर आया है वो जीएसटी की कैटेगरी में आता है या नहीं आता? मतलब वो कैसे चेक करेंगे कि जिस सप्लायर ने ये गुड्स भेजा है उसके 10-20 लाख पूरे हुए हैं या नहीं हुए? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी दिल्ली सरकार को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई साहब वो जो सप्लायर था उसके भी लिमिट पूरी नहीं हुई थी। अब दिल्ली सरकार बोलेगी यार हमें कैसे पता कि उसकी लिमिट पूरी हुई भी है या नहीं हुई? क्या दिल्ली सरकार उसे कंट्रोल कर सकती है? नहीं। कल एक शब्द पढ़ा था अपने टैक्सेबल टेरिटरी, दिल्ली जो जीएसटी एक्ट है उसकी टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? दिल्ली है। तो क्या दिल्ली सरकार महाराष्ट्र में आके चेकिंग कर सकती है? नहीं कर सकती। और जिस महाराष्ट्र सरकार का उस पर कंट्रोल है उसे कुछ मिल नहीं रहा, तो उसे वैसे इंटरेस्ट नहीं है, वो क्यों दिमाग लगाएगी इसमें? तो इसमें बोला गया भाई साहब वी आर अनेबल टू चेक द लिमिट, सो एक काम करते हैं कि इसको लिमिट का चक्कर ही डालते हैं, इसके लिए हम मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। आगे बात समझ में? इसी तरह से 2-4 पॉइंट आपके सामने और भी आते हैं जहां पर कि हमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब सुनो एक और बात, अगर यहां पर यह मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है गुड्स के केस में, तो सर्विस के केस में भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ही होना चाहिए फिर तो, हाँ या ना? बोलो हाँ सर। फिर तो ऐसे होना चाहिए कि जैसे महाराष्ट्र से एक नया नया सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है,
उसने अपनी सर्विस यहां पर दे दी है, दिल्ली में से क्लाइंट बैठा हुआ था, तो क्या इसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं? ये क्वेश्चन आया, सुनो जरा। तो इनिशियली जब जीएसटी लॉ आपका 2017 में आया था, तो इस पे था यस कि सर्विस सेक्टर वाले को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कुछ लॉजिक समझाना है, ध्यान से सुनोगे? चलो, यहां पुराने समय की जब बात करते हैं, तो महाराष्ट्र से अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में अपनी सर्विस देता था, तो सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन की लिमिट हुआ करती थी 9 लाख रुपीस। कितनी? 9। तो वहां बोलते थे कि अगर आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो सेल है, जो टर्नओवर है आपका, अगर वो क्रॉस करता है 9 लाख रुपीस को, जिसे आज हम 10 लाख 20 लाख पढ़ते हैं ना, वो पहले 9 लाख था, कि 9 लाख को क्रॉस करता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मेरा 50 रुपए का पेटीएम क्वेश्चन, मैंने कल सबको पेटीएम दे दिए थे जिनको बोला था मैंने, 50 रुपीज का पेटीएम क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं आपको, कि यहां पर पुराने सिस्टम में सीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, पर सर्विस टैक्स में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं था। वहां पर एक लिमिट क्रॉस होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था। ऐसा क्यों हुआ था? ये क्यों था? ये अंतर क्यों था पुराने सिस्टम के अंदर? 50 रुपीज पेटीएम क्वेश्चन जो जवाब देगा। रेजर हैंड जो बताना चाहे। बाबू ऐसे समझ नहीं आएगा ना, इकट्ठे एक बोलो कोई। रेजर हैंड्स में सेलेक्ट करूंगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन रिपीट करना। मैं कह रहा हूं कि पुराने समय में जब सीएसटी की बात करते थे, गुड्स जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन सर्विस टैक्स में जब सर्विस जाती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहां मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं था, वहां 9 लाख की लिमिट के बाद ही रजिस्ट्रेशन था। तो ऐसा क्यों था? यहां पर सर्विस टैक्स के केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं था? दिस इज माय क्वेश्चन। यहां भी तो ऐसे गुड्स के केस में हो सकता है, तो सर्विस के केस में भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, यहां क्यों नहीं है? अच्छा, कभी आपने एक छोटी सी बात पूछी, कभी आपने सोचा था कि हम टैक्स ऐसे भी पढ़ा जा सकता है? नहीं ना, यही तो सीखना बाबू। अगर आप ये चीज सीख लोगे ना, तो आपको कहीं लाइफ में दिक्कत नहीं आने वाली है इस सब्जेक्ट के। इससे पता क्या है, आपका थोड़ा ना पढ़ने का पैटर्न बदलेगा, थोड़ा तो चेंज होगा कि यार हर पेपर में आप ये चीज करना शुरू करोगे, और जब इस प्रकार की आरएनडी आप करते हो ना, तो एग्जाम टाइम में घबराहट नहीं होती फिर। बताइए साहब, कोई बताएगा? जी नहीं, जोरदार तालियां इनके लिए। मैं बताता हूं ये क्या बोलना चाहते हैं, अभी पूरे शब्द नहीं आया, आपको समझ नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि जो सीएसटी था ना, वो सेंट्रल सेल्स टैक्स था, उसमें स्टेट के बॉर्डर्स थे, स्टेट के बॉर्डर थे कि इस स्टेट को जाएगा या उस स्टेट को जाएगा, इसलिए दूसरा वाला स्टेट पहले वाले स्टेट को चेक नहीं कर सकता था, तो यहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। क्लियर है पॉइंट? जबकि ये प्रॉब्लम सर्विस टैक्स में थी ही नहीं, सर्विस टैक्स सेंट्रल लेवल का टैक्स था। उसके लिए तो वही, चाहे सर्विस महाराष्ट्र में दी जाए, चाहे इंट्रा दी जाए या इंटर दी जाए, ऑलवेज सर्विस टैक्स ही लगता था। एम आई राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा कैसी भी सर्विस, तो इंट्रा दो, इंटर दो, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में दो, महाराष्ट्र से दिल्ली में दो, ऑलवेज सर्विस टैक्स ही लगेगा। तो यहां पर स्टेट के बैरियर्स बीच में नहीं थे कि इसको जाएगा कि उसको जाएगा, इसलिए यहां पर लिमिट दे रखी थी, और लिमिट के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था। आप समझ पाए? ठीक। अब जीएसटी में आए, तो सर्विस प्रोवाइडर लोगों को यह पड़ी हुई थी आदत कि लिमिट के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है। मान लीजिए आप 2017 से पहले सीए बन गए थे, अपना ऑफिस खोला, तो शुरुआती दौर में वही इक्का दुक्का लाख 2 लाख का ही बिजनेस होता है, तो लाख 2 लाख 10 लाख 5 6 7 8 9 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं था सर्विस टैक्स के अंदर, कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन अब
अब क्या कर दिया इन्होंने, अब ये कर दिया मैंडेटरी कि अगर आपने 100 रुपए की भी सर्विस दे दी ना, इंटरस्टेट 100 रुपए की भी सर्विस, यू विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो क्या इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं जाएगा? जाएगा। आदत बड़ी चीज होती है, आदत। हम सर्विस सेक्टर वालों को आदत लगी हुई थी कि यार हमें तो 9 लाख के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन अब यह आदत बदलने की बात आ गई। तो आदतें यूं ही नहीं बदल जाती, बड़ी तकलीफ होती है। ये लोग पहुंच गए जीएसटी काउंसिल के पास कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जीएसटी काउंसिल ने बात समझी, शुरुआती दौर की बातें हैं, अगर जीएसटी नया नया लॉन्च हुआ है और इतने सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाएंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने इनकी बात मान ली और कहा ठीक है, हम तुम्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं आफ्टर लिमिट। लिमिट क्या है यहां पर, वहां तो 9 लाख थी, यहां लिमिट क्या है नॉर्मली 10 लाख या 20 लाख, कि लिमिट आफ्टर लिमिट ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैं मेरी बातों को कंक्लूड करता हूं, एज ऑफ नाउ अगर इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स की होती है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई अगर सर्विस की होती है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि एक लिमिट के बाद ही रजिस्ट्रेशन है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था, राइट? चलो ये बात होगी हमारी जी। अब तीसरा स्टेप आता है आपका, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें या अपने क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हो, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने मैंडेटरी, वरना आप गलती कर बैठोगे। सबसे पहले ये चेक करो कि आप इन तीन में से तो कोई नहीं हो, आप एग्रीकल्चरिस्ट या एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में या फिर एक्सक्लूसिवली आरसीएम में। स्टेप वन पर चेक करो, वहां फॉल कर गए तो बात ही नहीं करनी फिर हमने आगे। अगर वहां फॉल नहीं करते हो तो मैंडेटरी वाली लिस्ट में चेक करो कि यहां पर फॉल करते हो, यहां फॉल करते हो लिमिट देखने की जरूरत ही है, रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अगर यहां भी फॉल नहीं करते हो तो फिर आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। ये क्या होगा स्टेप नंबर 3 बताएंगे आप मुझे? लिमिट बेस्ड। यहां पर हम बात करने वाले हैं लिमिट बेस्ड आपको रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं साहब। लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन, इसमें भी छोटी छोटी बातें हैं, इतनी आसान नहीं जितनी सोचते हैं हम। लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन, एक तरफ आता है आपका टर्नओवर। टर्नओवर कौन सा, इनवार्ड या आउटवर्ड? इनवार्ड तो कभी नहीं ना। आप मुझसे पूछो आपका टर्नओवर कितना है, तो क्या मैं मेरी परचेज पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा या सेल पर? ठीक, तो ये आ गया यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर, और इसको हम कंपेयर करते हैं विद एप्लीकेबल लिमिट से, एप्लीकेबल लिमिट से। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या, ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, हमारी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज है ना, उस सब के सब यहां पर आ जाती हैं। कौन सी वाली आएंगी, इंट्रा वाली, इंटर वाली, इंट्रा हो, इंटर हो, मिंटर हो, टिंटर हो, एक्सपोर्ट हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो, जैसी मर्जी हो, बस यहां एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्स कैलकुलेट करना या व्यक्ति का साइज देखना कितना बड़ा हो गया है। मतलब टर्नओवर से हम उसको उसके बिजनेस का लेवल जज कर रहे हैं ना, कि साइज की क्या वो रजिस्ट्रेशन के योग्य है भी या नहीं भी है। तो इसलिए बिल्कुल सब कुछ ऐड करेंगे, एक चीटिंग भी दिखाऊंगा मैं आपको। ऑल आउटवर्ड सप्लाई, वो चाहे ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल ज्यादा लिख नहीं रहा, ऑल का मतलब सिर्फ ऑल होता है। जैसे हाँ क्यों, पिंक मूवी नहीं देखी आपने, उसमें बताते ना कि नो मींस सिर्फ नो होता है, ऐसे ही यहां पर भी ऑल मींस छूटे, कुछ नहीं छूटे। मैं आपसे पूछूं, बताइए
कि एक व्यक्ति का टैक्सेबल टर्नओवर 10 लाख, उसका एग्जेम्प्टेड टर्नओवर 5 लाख, और उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर है यहां पर 2 लाख, इस व्यक्ति का टर्नओवर कितना है? मैं टैक्सेबल टर्नओवर नहीं पूछ रहा, मैं टर्नओवर पूछ रहा हूं, कितना? समझ में आ गई? तो एग्जेम्प्टेड को भी यहां पर ऐड किया जाता है। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं एग्रीगेट, ये जो देख रहे हैं आप यहां पर आकर, ये स्टेट का टर्नओवर है या एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर है या ऑल इंडिया है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स है, इनका अपना एक परमानेंट अकाउंट नंबर है, इस पेन पर बेस्ड, बाबू ध्यान दीजिए प्लीज, ये यूपी में इनका बिजनेस है, एमपी में बिजनेस है, महाराष्ट्र में इनका बिजनेस है, यूपी में इनके 3 बिजनेस प्लेस हैं, पॉसिबल है? 3 दुकानें हैं, यहां पर टर्नओवर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एमपी में जो इसका था 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, महाराष्ट्र में 7 लाख, 8 लाख और ये 9 लाख। ठीक है, तो ये इनके रजिस्ट्रेशन सबके अलग अलग है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबके अलग अलग रजिस्ट्रेशंस यहां पर दे रखे हैं। बताइए इस बंदे का एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? आप सब क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि मैं कहां पर टच करना चाह रहा हूं बात को, कि एग्रीगेट टर्नओवर में कितना एग्रीगेट, मैं मतलब इसको देखो एग्रीगेट टर्नओवर एक दुकान का देखूं, एग्रीगेट टर्नओवर एक स्टेट का देखूं, या एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया देखूं? यस, ऑल इंडिया। एक पेन से लिंक्ड किसी भी स्टेट में कितने भी रजिस्ट्रेशन हैं, हमें यहां पर पेन वाइज देखना है। क्या करना है? पेन वाइज, ऑल इंडिया बेसिस। तो हमारा जो वर्ड था एग्रीगेट, तो इस एग्रीगेट वर्ड का मतलब है दैट इज पेन वाइज ऑल इंडिया, पेन वाइज ऑल इंडिया हमें ये देखना है। ठीक, और एप्लीकेबल लिमिट आती है आपकी 10 लाख की, 20 लाख की, और एक आती है साहब आपकी ये 40 लाख की। अब जो लिमिट होती हैं ये वेरी करती हैं स्टेट वाइज, कि कुछ स्टेट में लिमिट कम लग रही है, कुछ में ज्यादा लग रही है। तो अभी एज ऑफ नाउ मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि किस स्टेट में कौन सी लिमिट लगेगी, कि आपका बिजनेस यहां है तो, क्योंकि कुछ बातें हमें आगे के लिए भी छोड़नी चाहिए, लेकिन ये पता लग गया कि होना क्या है आगे चलकर। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए इस तरह से आपका ये हो रहा था और सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, ये हो जाती है, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा? यस और नो, आवाज नहीं आ रही? ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपका साइन ये आ रहा हो ऐसे करके, दोनों बराबर हैं, तो अब क्वेश्चन क्या आ गया कि यार 10 लाख होने पर करवाना है या 10 लाख क्रॉस करने पर करवाना? क्रॉस पर करवाना है, तो इस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसमें हो जाएगा क्या कि एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से कम है? तो नहीं होगा ना। तो इसमें आंसर आएगा पहले वाले में, अगर सिचुएशन ये है तो यस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और अगर आपका आंसर ये है तो यहां पर आंसर आएगा नो, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक चीटिंग दिखाऊं? देखो मुझे बताना फिर गवर्नमेंट का इंटेंट क्या है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पकड़ता हूं आपके लिए मैं। एक व्यक्ति है और वो यहां पर अपना बिजनेस करता है, उसके बिजनेस में एक मेडिकल शॉप है दरअसल उसकी, और मेडिकल शॉप है, और इसके यहां से टैक्सेबल भी जाती हैं सप्लाई और एग्जेम्प्टेड भी जाती हैं। एग्जेम्प्टेड थी इसकी 19 लाख रुपीस। अच्छा मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर जो एप्लीकेबल लिमिट है, मान लीजिए वो 20 लाख रुपीस की है, आपको बताना है कि रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। लास्ट रो फोर्थ नंबर खड़े हो जाओ। यहां पर ये 20 लाख की गिनती तक ना, थर्ड है तुम्हारा नंबर, फोर्थ कोई और आ रहा है, खड़े हो जाओ फोर्थ नंबर।
तो यहां पर बताइए एग्जेम्प्टेड 19 लाख है, अगर मेरा डेटा सिर्फ इतना ही है तो क्या इसे रजिस्ट्रेशन करवाना है? अच्छा, अगर मैं इसे कर दूं यहां पर 49 लाख, आपने दिमाग लगाया कि सर एग्जेम्प्टेड भी तो आता है, अब करवाना पड़ जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। जरा इस केस को पहले स्टेप में चेक करें आप। एक वो व्यक्ति जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में डील करता हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इररिस्पेक्ट ऑफ द टर्नओवर। तो ये जो पहले स्टेप से आउट हो जाएगा, तो ये तो स्टेप नंबर 3 पर खड़े हैं हम यहां पे, तो यहां तक आएगा ही नहीं है। समझ में आ गई बात? इसलिए मेरे बच्चा सीक्वेंस बहुत जरूरी है लॉ के अंदर, नहीं गलती यूं हो जाएगी। तो इसमें रजिस्ट्रेशन, लेकिन एक मच्छर, एक मच्छर। अब बताइए समझ में आ रहा है कुछ? क्या 1 लाख लिखते ही टैक्सेबल पर, या मान लीजिए ये 1 लाख भी छोड़ो भाई, इनके शॉप में कुछ कॉस्मेटिक आइटम भी रखे थे, होते हैं जैसे डिओड्रेंट शैंपू वगैरह होते हैं, एक भाई साहब शैंपू बेच दिया बस, वो टैक्सेबल था, कीमत थी 100 रुपए, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा या नहीं? चेक करते हैं क्या अब आप स्टेप, ये तो समझ में आ गया कि स्टेप्स फॉलो करने बेहद जरूरी हैं। अब स्टेप नंबर 1 में फॉलो करोगे क्या आप? यस और नो? नहीं। 2 में भी नहीं मैंडेटरी, 3rd में आए। अब 3rd में आके क्या बोलता है, पहले निकालो एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां पर ये आया भाई साहब आपका 49 लाख 100 रुपीज एग्रीगेट टर्नओवर, 49 लाख 100 रुपीज एग्रीगेट टर्नओवर, ये ज्यादा है, यानी कि आपको अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, गेट नंबर 4 पर आप खड़े हुए हैं, आपको टैक्सेबल पर्सन बुला दिया गया है, करेक्ट? गलती मत करना, सही से जवाब देना। इस व्यक्ति की जीएसटी लायबिलिटी कितनी आएगी? लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? एक बार शादी हो जाती तो जीएसटी की जिम्मेदारी आ जाती है, होगी ना शादी, जीएसटी भरना ही पड़ेगा। चौथे गेट पर खड़े, टैक्स अमाउंट कितना होगा इनका? मान लीजिए जीएसटी रेट 18% है, क्यों 49 लाख पे नहीं आएगा? आप समझ रहे हैं बात? अब जैसे ये गेट नंबर 4 पर तो बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन जैसे इसके बिजनेस को लेकर 5वें गेट से निकलूंगा, 49 लाख 5वें गेट से आउट, बचा कितना 100, 100 रुपए भी जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, 18 रुपीज का 18 रुपए। इज इट ओके? क्या ये चीटिंग नहीं है? कि यार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये ऐड नहीं करना चाहिए था एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय, क्योंकि यार जो चीज एग्जेम्प्टेड है, व्हाई आर यू कवरिंग इन टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी? ठीक है एफआर में, अकाउंट्स में आप टर्नओवर के लिए काउंट करो, लेकिन ये जीएसटी पड़ रहे भाई, टैक्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि व्यक्ति जल्द से जल्द जीएसटी में आके रजिस्ट्रेशन ले। इसके लिए इन्होंने दो तीन किताबें देना, जरा मुझे किताबें। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि अगर मेरी सेल तो बस इतनी पतली सी थी 100 रुपीज की, दिख भी दो तीन दो दिख भी नहीं रही थी, नहीं दिख रही थी मुझे, तो इन्होंने क्या किया है कि इसको दिखाने के लिए जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई थी, जो बेकार की सप्लाई थी, कूड़ा सप्लाई थी, उसको लगाया नीचे और इसके ऊपर रख दिया इसको, जिससे कि ये इसका जो कद है, जो लेवल है, वो बढ़ गया। टैक्स अल्टीमेटली इसी पे लगना है, इस पे तो ना लगना था कुछ, लेकिन इसको नीचे जोड़ने से इन्होंने इसका लेवल बढ़ा दिया। ये बिल्कुल वैसे बढ़ा दिया जैसे कभी शायद आपने देखा हुआ, आई डोंट नो कि देखा कि नहीं देखा, लेकिन हमारे साइड में तो होता है, मेले में एक लड़की होती है
जो सर्कस में चलती है, उसने अपने पैरों में ना बड़ी बड़ी लकड़ियां बांध रखी होती हैं, बैम्बूज बांध रखे होते हैं, और मेले में सबसे ऊंची वही दिखाई देती है। करीब 10-10 फीट की लकड़ी पैरों, बैम्बूज बांधकर पैरों में इतनी ऊंची हो जाती है। तो ये भी बैम्बूज ही बांध दिए गए हैं एग्जेम्प्टेड को जोड़कर, ताकि आपका चेहरा दिखना शुरू हो जाए कि आपका टर्नओवर ऊपर निकल गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली आपको अगर सर ने पढ़ा दिया हो, आपके इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है। जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है, जीएसटी में तो नहीं आती है, लेकिन उसे नीचे लगा देते हैं, जिससे कि आपका स्लैब चेंज हो जाता है। यहां पर भी वही किया गया है, इसको नीचे लगा दिया जिससे कि ये रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरी के अंदर आ जाए। चीटिंग है कि नहीं है? यस। तो सरकार चाहती क्या है? जल्द से जल्द शादियां हो, ताकि जिम्मेदारी जल्द से जल्द आ जाए, जीएसटी उनको मिलना शुरू। उन्होंने ये खेल करके इस 100 रुपए पर भी जीएसटी भरवा लिया इस तरीके से, राइट। चलो अब यहां तक हमारी बात हो गई है, और ये हमारा फोर्थ गेट भी कंप्लीट हो गया है साहब। तो पहला था नो रजिस्ट्रेशन, दूसरा था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, तीसरा कौन सा निकल के आया था हमारा? तीसरा था हमारा ये नो रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल ये हो गए, एक्सक्लूसिव और ये अदर स्पेसिफाइड सप्लाई, इंटरस्टेट, ये सारी बात हमारी हो जाती है। अच्छा, एक व्यक्ति मान लीजिए आरसी में आपको टैक्स भरना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ जाएगा, मैंडेटरी, क्योंकि जीएसटी भरना है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है, फोर्थ गेट हो चुके हैं, और अब हम आगे हैं फिफ्थ और आखिरी गेट पर। ये गेट में आखिरी है, इसके आगे कोई गेट नहीं है, बॉक्स है सिर्फ, एग्जेम्पशन। तो 100 टाइप ऑफ सर्विसेज की एग्जेम्पशंस हैं। हाँ साहब, जो आपने गुड्स बेचा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जब आपने अपना गुड्स बेचा तो गया, फिर लौट के आ गया आपका, वो तो वो एडजस्ट हो जाता आपके टर्नओवर में, यानी कि वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपने 20 लाख का माल बेचा, लौट के आ गया, वो नो ट्रांजेक्शन टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा आपका, वो है जी। देखो, पहले मैं क्वेश्चन को ठीक करता हूं, आप रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो यानी कि अभी तक आप अनरजिस्टर्ड हैं, और अभी तक अनरजिस्टर्ड तो क्रेडिट कहां से आ गया? रजिस्टर करने के बाद, आप कह रहे कि रजिस्टर करने के बाद अगर ऐसा हो तो क्या होगा? हाँ, रजिस्टर करने के बाद क्या होगा कि मैंने 20 लाख का गुड्स जो था वो बेच दिया, ठीक है, इनवॉइस मैंने इश्यू कर दिया। अब प्रॉब्लम, आपकी क्वेरी को और एक्सटेंड कर देता हूं, मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया, और उस इनवॉइस में जो जीएसटी लायबिलिटी थी वो भी मेरी गवर्नमेंट के प्रति ड्यू हो जाती कि पैसा मुझे देना है, लेकिन हुआ क्या कि मेरा गुड्स लौट के वापस आ जाता है। तो गवर्नमेंट तो कह रही कि आपने बेचा है, बेचा है, बेचा है, ये मुझे गवर्नमेंट को भी इंटीमेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए लॉ ये कहता है कि आपको ना एक क्रेडिट नोट इश्यू करना होता है इक्विवेलेंट अमाउंट का, जिससे कि आपका जो इनवॉइस है उतने ही अमाउंट का क्रेडिट नोट डालिए, ट्रांजैक्शन नलिफाई आपकी हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो लायबिलिटी मेरी बनती थी वो एडजस्ट हो जाती है, उधर लायबिलिटी निल, जो गुड्स गया था वो भी आ गया, जो पेमेंट आपको मिली थी वो वापस करनी पड़ जाएगी, सिंपल। यानी कि जहां थे वहीं पर पोजिशन को रिस्टोर करवा दिया जाता है, ठीक है। चलो, फिफ्थ गेट है, इसमें मैं आपसे कह रहा था कि 100 टाइप ऑफ सर्विसेज की एग्जम्पशंस हैं, और करीब 150 टाइप्स के गुड्स की एग्जम्पशंस हैं। गुड्स की एग्जम्पशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, सर्विसेज की एग्जम्पशन सिलेबस का पार्ट है। पहले भी बताया था कि जो जरूरतें होती हैं, जो नीड्स होती है, वो एक भिखारी की भी पूरी हो जाती है, लेकिन जो डिजायर्स होती हैं वो एक राजा की भी अधूरी रह जाती है। बात की थी मैंने पहले, नीड पर जीएसटी नहीं होगा, डिजायर पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। इन 100 टाइप ऑफ सर्विसेज को मैंने 14 हेड में डिवाइड कर रखा है, किसने में? 14 हेड में। जो पिलर के पीछे बैठे हैं, ये ना मान के चले कि मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा, मैं घूमता रहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। 14 हेड कौन कौन से हैं, तो उसके लिए नाम लिखते हैं, चलो हेडिंग हेडिंग की बात करते हैं यहां पर आकर।
जी साहब जी। अच्छा नोटबुक। ये है यहां पर आकर एग्जेम्पशंस, पता है ये बाबा की बूटी की वजह बुक पर पहुंचेंगे ना, आपको बहुत कुछ आता होगा उस समय पे, बहुत कुछ। एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस में पहला हेडिंग आता है इसमें दान और धर्म। दान का मतलब है चैरिटी, डोनेशन, और धर्म का मतलब समझते हो ना, जहां मैं हिंदी के शब्द लिखूंगा अगर जहां दिक्कत हो बता देना, रिलीजन, रिलीजियस, दान धर्म। दान में क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा, जितने भी आपके ये ट्रस्ट बने हुए हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जैसे कि जो ड्रग्स के आदि हो जाते हैं लोग, उनकी केयर करना, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्यार में पागल हो जाते हैं, शब्बो तुम कहां चली गई, वो वाले लोगों की केयर करना, देखभाल करना, समझाना कि जीवन यही नहीं रुकता है। लोग होते ना कि मैं ब्रेकअप हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं जीत गया, उनको काउंसलिंग करना कि बेटा जीवन बहते पानी की तरह है, रुकना नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई। जीवन में बहुत सारे रंग हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम मुझसे कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन एक जरूर सीख मानना कि देखो लाइफ में ना टेंशंस ऑलवेज रहेंगी, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कभी कम मत होने देना, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, इसका ध्यान रखना। तो जितने भी आपके चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इनको डोनेशंस जाते हैं, ये काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही लाइक नियर टू डेथ होते हैं, जैसे मान लो किसी अनफॉर्चुनेट किसी व्यक्ति को थर्ड स्टेज का कैंसर है, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, तो वैसे में ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करना, काउंसलिंग करना, हम उसकी डेथ को तो नहीं रोक सकते, लेकिन पेनफुल डेथ को थोड़ा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे काम जो ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर जो पैसा उनको कंट्रीब्यूट किया जाता है, उस पर जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कभी नहीं कह रहा कि मेरी हां में हां मिलाओ, मैं पूछ रहा हूं कि ये नीड है ऐसा करना या सिर्फ एक डिजायर है, नीड है। आज लोग बड़े परेशान हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में ना बड़े परेशान लोग हैं। दो तरीके से लाइफ को जिया जाता है, एक अपने मन पर बेस्ड होकर और एक अपनी बॉडी पर बेस्ड होकर। जब हम मन पर बेस्ड होकर लाइफ जीते हैं ना, तो मन क्या करता है, चल क्लास में नहीं मूवी देखने चलते हैं, मन तो ये कर रहा होगा ना, कौन बैठता है, ये कर वो कर। और पता है बड़ी अजीब बात यह है कि जिस काम के लिए मन करता है, उस काम को करते ही तुरंत मन उससे हट जाता, चल हट बेकार चीज है, गिल्ट फील होता है। जिस काम को करने के लिए मन उछल रहा था, परेशान हो रहा था, उसे करने के बाद गिल्ट, चल छोड़, उसे फिर कुछ और नया चाहिए। मेरी बात को सीरियसली पकड़े आप, फिर वो मुझे कार का मन है, कार नई कार लूं, कार मिल गई, चार दिन में वो खत्म, अब कुछ और चाहिए मुझे, मुझे बड़ा घर चाहिए, वो भी मिल गया, अब कुछ और चाहिए। ये कभी खत्म नहीं होता। और जो अपने वेस्ट में लोग हैं, लाइक जैसे यूएसए वगैरह में जो लोग हैं ना, इधर के लोग आप देखा कितने डाइवोर्स होते हैं, हर महीने शादियां होती हैं, टेंशन डिप्रेशन परेशान रहते हैं, नहीं ड्रग्स का सहारा लेते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने मन पर बेस्ड होते हैं। हमारी जो बॉडी है ना, शरीर, ये बहुत भोला है, नोटिस करो, इसे तुम चार दिन सुबह जल्दी उठने के लिए बोलो, पांचवें दिन बेचारा अपने आप ही उठकर बैठ जाएगा, है ना, है ना, अपने आप। आप इसे, आप खाने, आप लंच की टाइमिंग क्या है आपकी, लंच कितने बजे करते हो, 2 बजे, आप इस लंच के टाइम को जरा चेंज करके देखो, आप लंच 11 बजे करना शुरू कर दो अपना, सपोज, है ना भाई साहब, पांचवें दिन अपने आप गएगा खाना, अपने आप बॉडी मांगेगी 11 बजे ही खाना लाओ,
जैसे ये उसे पता है कि ब्रेक के टाइम में खाने का देख रहा है ब्रेक, तो ये है आपके शरीर वाकई बहुत भोला होता है, इसको तो दिमाग ने बेवकूफ बना रखा, पागल कर रखा है इसको, वरना इतना सीधा इतना भोला आपको कोई नहीं मिलेगा, इतना भोली आपकी बॉडी है, बेचारा जरा से दिल में ढल जाता है। तो इसलिए आपको बहुत हद तक अपनी लाइफ इस मन पर बेच, ये तो पागल है, ये मन तो इतना ही, ये कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको, ये इतना पागल है ये मन। ये शरीर की सुनो अपने, कि वो क्या कह रहा है, उसकी क्या नीड होती है। मन मन करता है ये भी खा ले वो भी खा ले, बॉडी को नहीं चाहिए ये भी खा ले, कर सीधा साधा दे दे यार वही खा लूंगा, वही ठीक है, उसे ठीक से डाइजेस्ट कर पाता है वो, है ना, पिज्जा खा ले, ये मन मांग रहा है, शरीर नहीं मांग रहा। तो जरा एनालाइज करना इस बात को। दान के बाद आता है धर्म, दान के बाद आता है धर्म, धर्म तो रिलीजियस, जैसे कि ओम पवित्रो पवित्रो व्याम सर्वस्तम तोम पीवा यश्वरे च पंडरीकाक्ष नमः स्वाहा। कन्या को बुलाइए, हाथ में फूल रख लीजिए। तो ये जो आप लौटने में देर कर देते हो, लौट के आ जाए करो, क्योंकि ये सब करने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है इमीडिएटली। तो यहां पर जो पंडित जी जो हैं ये कथा करते हैं, चाहे प्रवचन दे रहे हैं या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं, सबकी फीस होती है, 10-10, 11-11 लाख रुपए फीस होती है। इन पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, यस और नो, आना चाहिए या नहीं? वो खुंदक में बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं कि आना चाहिए, नहीं आता है। कलयुग चल रहा है, थोड़ी बहुत तो धर्म कर्म की बातें होनी जरूरी होती है, अगर ये भी नहीं होंगी तो घोर कलयुग यहां पर आ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो जो रिलीजियस जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय, जो जागरण पार्टी होती है 2 लाख रुपए एक रात का लेती है, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। माता का जगराता होता है ना। चलिए, दान धर्म समझ में आया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, हेलीकॉप्टर व्यू, आपको पूरी एग्जम्पशंस को घुमा के लाता हूं 15 मिनट में। दान धर्म के बाद आता है दूसरा पॉइंट, 9:15, शिक्षा। शिक्षा मतलब एजुकेशन, एजुकेशन। अब कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं, आईसीएआई है, आईआईएम है, आईआईटी, ऑल आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। चूंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, हाँ? तो यहां पर कहते हैं कि मैं ये 5वां गेट कंप्लीट करा के ही ब्रेक दूंगा, नाउ इट्स योर कॉल कि 9:30 पर ब्रेक चाहिए कि 10 o'clock चाहिए या 9:15 पे चाहिए, इट्स योर कॉल। लौट के जल्दी नहीं आते यार आप, ये गलती करते हो आप। एजुकेशन, तो जितने भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, इन पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नीड है, पढ़ेगा तभी तो बढ़े। एकत्वम अकेडमी, ये भी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेकिन नहीं, जीएसटी लॉ इसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं मानता। करें नहीं, ये तो कमर्शियल, कमर्शियल मोटा कमाने वाले लोग हैं, कमर्शियल कोचिंग सेंटर है, ये जरूरी नहीं, इट्स नॉट ए नीड। ये ट्यूशन ही तो है, क्या ट्यूशन नीड है? मैं सीएमए आके ट्यूशन पढ़ा, मैंने सीए से पहले कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा मैंने, क्या मैं पास नहीं हूं? मैं पास हूं, मैंने कॉलेज टॉप किया था अपना, ऐसे कैसे? तो यहां पर आकर ऐसे होता है कि इट्स नॉट ए नीड, इट्स जस्ट ए डिजायर टू सेव द टाइम, राइट? तो इसलिए कोचिंग सेंटर वगैरह पे जीएसटी आएगा। दान धर्म शिक्षा के बाद आता है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य समझते हो, हेल्थ। हेल्थ में क्या आ गया, चाहे वो डॉक्टर का क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो, अस्पताल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, या पैथोलॉजी लैब हो, या एम्बुलेंस की सर्विसेज हो, ये जितनी भी आपकी हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं, इन पर जीएसटी नहीं आएगा। एक बच्चा मेरे पास में कल परसों आया था, जब मैं पहले दूसरी क्लास में पढ़ाया था, वो थोड़ा अपडेटेड है बच्चा, क्योंकि छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आती है ना। अब तक क्या था कि हॉस्पिटल में, ये मैंने बोला है आपको, एग्जेम्प्टेड है, पर मैं अभी ये डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कुछ बातें बाहर निकल के और भी आएंगे, जैसे कि कैंटीन होती है हॉस्पिटल में ना, क्योंकि अभी तो ओवरव्यू ले रहे हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हर एंगल से डिस्कस करेंगे। कैंटीन होती है हॉस्पिटल में,
तो कैंटीन के लिए खाना पेशेंट को भी जाता है जो उसमें एडमिट है, और कैंटीन में खाना उसके अटेंडेंट भी खाते हैं जो पेशेंट के हैं। तो जो पेशेंट को खाना गया इंडोर सप्लाई हुई उसकी, वो तो हेल्थ केयर का पार्ट है, उस पर तो जीएसटी नहीं। लेकिन जो अटेंडेंट वहां छोले कुलचे खा रही है उसके अंदर, उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? उस पर जीएसटी आ जाएगा। तो ऐसे करके कुछ बातें हम आगे भी करके चलेंगे। जैसे आईसीयू का रूम है जहां पर क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट है, आईसीयू का अपना किराया होता है 8-10 हज़ार रुपये पर डे का, तो क्या उस पर जीएसटी आना चाहिए? नहीं। लेकिन जब मरीज लगभग ऑपरेशन वगैरह उसका हो गया है, डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ समय तक रूम में रखता है अलग, तो क्या उस रूम रेंट पर जीएसटी आना चाहिए? अब तक बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस बार लेटेस्ट अमेंडमेंट 1 अक्टूबर को आई, उसने कहा कि नहीं, 5,000 तक का अगर है, लिखने की जरूरत नहीं, सब आएगा। मैं तो बस बता रहा हूं कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया था। 5,000 तक का रूम है तो नहीं, गरीब आदमी है, लेकिन 5,000 से ऊपर का रूम ले रखा है तो रिच आदमी है, और रिच आदमी तो थोड़े छींटे यहां भी गिरा दो, थोड़ा जीएसटी भी दे दो, क्या दिक्कत है? 10,000 का रूम अफोर्ड कर रहे हो आप, जीएसटी के पैसे नहीं आपके पास में? हेल्थ केयर से जीएसटी हटाया क्यों? क्या कारण है? एक तो बेसिक नीड है, दूसरा ये, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक आया था, 5 लाख का बिल आया, और उसमें भाई साहब जब वो सही हो गया और बिल देखा कि 5 लाख का बिल, 90,000 का जीएसटी, वो दोबारा अटैक आ जाएगा उसे? नहीं यार, हेल्थ केयर को छोड़ो। वैसे भी जीएसटी बड़ा सेंसिटिव है, जहां दुख होगा गम होगा वहां नहीं जाता, कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा, शमशान घाट मॉर्चरी हाउस नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, डिस्को में जाएगा जाएगा, क्लब में जाएगा जाएगा, टूर पर जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बस थकेली बस होती है, लोग ऑफिस जा रहे होते हैं मुंह बनाकर, उसमें होगा नहीं बैठे, टूरिस्ट बस में जाएगा कि टन टना टन 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 टारा। चलो आगे, स्वास्थ्य, दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य के बाद आता है खेल। खेल, लेकिन पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात उल्टी होती जा रही है। नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं पक्का, और तुम्हारे एरिया का डीएम एसएसपी कौन है जानते हो? जानते भी होंगे तो कुछ लोग बस। सिविल सर्विसेज डीएम बना, एसएसपी बना, इतनी पढ़ाई की, कोई नहीं जानता। नीरज चोपड़ा खेला, सब जानते हैं, एक ऐसा नहीं मिलेगा जो ना जानता हो। तो ऐसा नहीं है, खेलों की भी अपनी एक अलग वर्ल्ड है। खेल, तो खेलों के लिए स्पॉन्सरशिप फी दी जाती। क्या इस सुल्तान मूवी देखी है? कुकरेजा कुकर ने पैसे दिए थे। स्पॉन्सरशिप फी का मतलब यह होता है कि एक तरफ होते कॉरपोरेट, जैसे वीवो ओप्पो टोप्पो जितने भी हैं सारे, इधर है आपका बीसीसीआई, ठीक है? तो कॉरपोरेट हमेशा भूखे रहते हैं पब्लिसिटी के, और ये जो बीसीसीआई है, ये जो लाइक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं किसी गेम के, ये पैसे के भूखे होते हैं, तो ये एक दूसरे की नीड को पूरा करते आन मिलो सजना। तो यहां पर आकर इन्होंने कॉर्पोरेट्स ने फंड दिया, इसके बदले इन्होंने इनको पब्लिसिटी दी। पब्लिसिटी ऐसे नहीं कि ओप्पो का फोन बहुत ही बढ़िया है, ऐसे नहीं बोलते ये क्या करते हैं, साइलेंटली इनके जो होर्डिंग्स होते हैं उनको वहां पे ग्राउंड पे रख देते हैं ताकि लोगों की नजरों में आए। अब आप बोलोगे कि सब वो होर्डिंग रख देने से कौन सी पब्लिसिटी हो रही है, तो नाम वीवो वैसे पहले ही पता था, अब रख दिया तो कौन सी परेशानी आ गई? अच्छा, कुछ प्रीमियम स्पॉन्सर्स भी होते हैं जिनके नाम पर ही इवेंट का नाम रख दिया जाता है, जैसे आइडिया पेश करते खतरों के खिलाड़ी, या ये लगा बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया। अरे चौका लगा तो इंडिया का बीएसएनएल कहां से आ गया बीच में? बीएसएनएल ने पैसे दिए इस बात के लिए, समझ में नहीं बात, इसे बोलते स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। दूसरी एक और बात समझिए कि यहां पर आकर मन में सवाल आता है कि यार पब्लिसिटी कैसे हो रही है, नाम ही तो रखा है एमआरएफ या वीवो ओप्पो ये वो फलाना ढिमका बाइजू वगैरह सब नाम होते हैं। मैं बताता हूं नाम की महिमा क्या होती है, नाम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल केस, मैं गया अपने बेटे का एक ट्राउजर खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए मतलब, तो जो दुकानदार आदमी था उसने मुझे कपड़े दिखाए, मैं कहा भाई अच्छे से दिखाना, कर ठीक है जी। ट्राउजर निकाली, मैं कहता था ऐसी लग रही है, मैं तो ये ट्राउजर तो ऐसी लग रही है, बोला भाई साहब टोमेटो ब्रांड की है,
टोमेटो ब्रांड है। मुझे बहुत तेज हंसी आई, मैं कहा मेरे पास भिंडी ब्रांड, आलू ब्रांड, तरबूजा ब्रांड सब है, तू ले ले मुझसे। कि नहीं भाई साहब आप जानते नहीं टोमेटो ब्रांड। मुझे हंसी मेरी बंदी में बेवकूफ बना रहा मुझे, कि नाम को बोला टोमेटो ब्रांड, कल को बोलेगा भिंडी ब्रांड, आलू ब्रांड, कोई बात नहीं। फिर मैंने हंस के उसकी बात को ऐसे करती, मैं चलो ट्राउजर तो ले आया, पर मुझे लगा बेवकूफ बना रहा मुझे। 3 दिन बाद मैंने टीवी पर एड देखा टोमेटो ब्रांड का, फिर मैं एयरपोर्ट पर टोमेटो ब्रांड लगा हुआ था, और मैंने कहा यार भाई साहब ये तो सही कह रहा है। 2-3 बार टोमेटो ब्रांड आंखों के सामने से और निकल गया, और अब सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये मैसेज है कि टोमेटो एक ब्रांड है। तो जब कोई नाम हमारे आंखों के सामने से बार बार निकलता है, आता है, तो अपनी प्रेजेंस देता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक ब्रांड का रूप ले लेता है। आगे बात समझ में? तो ये होता है स्पॉन्सरशिप। तो यहां पर ये कहते हैं कि जो स्पॉन्सरशिप की फीस खेलों के लिए दी गई है, स्पोर्ट्स के लिए दी गई है, सुल्तान मूवी में कुकरेजा कुकर वाले ने जो सुल्तान के लिए, सलमान खान के लिए जो फीस दी थी, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्ट का मतलब समझ रहे हैं, ट्रिम किया है, रूट नहीं निकाली है, रूट अभी भी है। ठीक है जी। दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल के बाद आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सरकार। सरकार मैंने आपको सुबह में बताया था कुछ चीजों की रूट निकाल रखी है, जैसे कि शराब के लाइसेंस की रूट ही निकाल के फेंक दी, वो भी तो गवर्नमेंट की सर्विस थी ना। आर्टिकल 243G और W के जो वर्क थे उनको बाहर निकाल के फेंक दिया। बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलेंगे यहां पर आकर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारे मिलेंगे आपको। और जो कुछ रह जाएंगे मजबूरी में जीएसटी लगाना पड़ेगा, उसमें छल्ला किसी और के गले में पहनाया जाएगा कि जीएसटी तू भरेगा, रिवर्स चार्ज में फेंक देंगे, इतनी चालू पड़ रही है सरकार। तो दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार, और आगे है आपका किसान, जो फार्मर है। सर फार्मर तो बाहर निकल गया था 4th गेट से ही, फिर यहां फार्मर क्या कर रहा है? फार्मर यहां इनवार्ड के विषय में बात कर रहा है। इनवार्ड मतलब कि जब किसान खेती बाड़ी करता है अपनी, तो गांव में उसे बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो वहां पर जब सर्विस लेनी पड़ती है उसे, जैसे कि दूसरे के ट्रैक्टर का यूज किया अपने एग्रीकल्चर फार्म के अंदर, तो ट्रैक्टर वाला भैया पैसे मांगेगा नहीं मांगेगा? मांगेगा। दूसरे की ट्यूबवेल का पानी लिया अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, वहां पे वो आएगा। अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक वाले भैया की सर्विस ली है, क्या जीएसटी आएगा? सोचो अगर जीएसटी आ गया तो किसान को क्रेडिट मिलने वाला तो नहीं है, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो ये किसान के लिए ठीक बात नहीं है। इनकम टैक्स में भी किसानों को बचा के रखा है, यहां भी किसानों को हर एंगल से बचा के रखा है। किसान जो अपनी फसल बेचने बाजार में जा रहा है, आउटवर्ड है, उसमें भी गेट नंबर 4 से बाहर, और किसान जो इनवार्ड ले रहा है, अलग अलग लोगों से सप्लाई ले रहा है, उस पर एग्जम्पशन यहां दी हुई है। खेल सरकार किसान दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार किसान के बाद आता है मनोरंजन। मनोरंजन मतलब ये एंटरटेनमेंट नहीं, इसके 2 शब्द होते हैं, मजा। मनोरंजन मतलब मजा, और मजा 2 तरीके से लिया जा सकता है, बताइए कैसे कैसे? मैं बताऊं? एक होता है एक्टिव मजा, कि खुद मजे लेना। एक होता है पैसिव मजा, कि दूसरा क्या कर रहा है दूसरे को देखकर मजे लेना। जो एक्टिव मजा होता है, जो एक्टिव मजा है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट। और जो पैसिव मजा है, दूसरे को देखकर मजा ले रहे हैं, उसे कहते हैं एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट का मतलब समझाया था विद्या बालन ने, एंटरटेनमेंट। तो कुछ घटना घटी उधर, एक साथ जब बम फूटे तो कुछ हो गया जी। तो अम्यूजमेंट ज्यादा अच्छा, एक्टिव मजा ज्यादा अच्छा है कि पैसिव? ज्यादा मजा कहां है? एक्टिव। तो ज्यादा मजा लोगे तो सरकार भी कह रही है थोड़े मजे हमें भी करवा दो, करे लगाओ जीएसटी,
तो अम्यूजमेंट पर तो ऑलवेज जीएसटी आएगा, हां बोलो हां, लेकिन जो एंटरटेनमेंट है इसमें दो बातें हैं, एक होता सस्ता मजा, एक होता महंगा मजा। अच्छा, एंटरटेनमेंट की टिकट वगैरह लेनी पड़ेगी, खुले में मजा चल रहा होगा? अगर खुले में है तो फिर तो सप्लाई नहीं है, टिकट ही नहीं तो सप्लाई नहीं, समझिए, कंसीडरेशन जरूरी है ना। तो टिकट होगी एक, नहीं टिकट होगी एक, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, सीन स्क्रीन पर चल रहा होता है, मजे आपको आ रहे होते हैं। फॉर्मूला वन जो रेस होती है वो एंटरटेनमेंट की अम्यूजमेंट है, गाड़ी तो वो चला रहा होता है, घूम हम जाते हैं सीट पर, हाँ यार ना, कभी देखना हम घूम जाते हैं सीट पर, तो दूसरे को देखकर मजा ले रहे। क्रिकेट का हम मैच चल रहा था, उसका टिकट लिया, एक्टिव मजा, पैसिव, छक्का लग रहा वहां पर उछल रहे हम, ये पैसिव मजा है, ठीक है। तो पैसिव मजा में टिकट लगती है, एक्टिव मजा में टिकट नहीं लगती, लगती है उसमें भी क्या, जैसे कि अब वाटर पार्क गए, एक्टिव मजा की पैसिव, मुझे लगता है रियल ग्राउंड पे मिक्स है, ये एक्टिव तो है ही है, खुद भी मजा कर रहे होते, दूसरे को देखकर भी मजा ले रहे होते, पर ये एक्टिव मजा में आता है, अम्यूजमेंट है, तभी तो नाम आता ना अम्यूजमेंट पार्क। हाँ, वो पकड़ रहे हैं बात को ठीक से, सही जा रहे हो। तो यहां पर आकर सस्ता मजा मतलब क्या, जहां पर की टिकट गरीब आदमी छोड़ दो 500 तक का टिकट है, 500 तक का टिकट है तो उसमें उसमें छोड़ो जीएसटी नहीं लेते, लेकिन 500 से ऊपर का अगर टिकट है तो जीएसटी पूरे अमाउंट पे लगा दिया जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, कुछ एक्टिविटीज को बिल्कुल अलग कर रखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, जैसे कि मूवी टिकट, मूवी टिकट भले ही आपका, क्योंकि आप देखोगे जाके जरूर, 300 रुपए का भले ही मूवी टिकट क्यों ना हो, 100 रुपए का भी क्यों ना हो, फिर भी इस पर जीएसटी लगाया जाएगा, पक्का। इसके पीछे कहानी यह है कि यह फिल्म इंडस्ट्री पूरी एक चेन है, ये जो सिनेमा हॉल है ये तो एग्जिबिटर हैं, इसके पीछे जो और जो राइट्स देते हैं उसके पीछे मूवी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, उसके पीछे जो एक्टर एक्ट्रेस कोरियोग्राफर लाइटमैन ये राइटर सिंगर ये इतने लोग होते हैं, तो पूरी चेन को जीएसटी के कवरेज एरिया में लेकर आए हैं। अगर आज लास्ट मोमेंट पर आकर सिनेमा हॉल की टिकट को एग्जेम्प्ट कर दिया तो पिछली वाली स्टेज पर क्रेडिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं, क्रेडिट कब मिलता है जब आपका आउटपुट टैक्स हो तो क्रेडिट मिलता है, यहां सिनेमा हॉल में आउटपुट टैक्स नहीं होगा तो पिछले वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा और ऐसे करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जो चेन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। इसलिए कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर जीएसटी रहेगा, चाहे सिंगर हो कोरियोग्राफर हो प्रोडक्शन हाउस हो वट एवर यू आर, रहेगा जीएसटी, ठीक है। अच्छा बाबू, मैं 5 मिनट ले रहा हूं यार, ये खत्म करने दो, बीच में ना फिर दिक्कत होती है। हाँ, मनोरंजन के बाद में 8वां पॉइंट, दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार किसान मनोरंजन के बाद में आता है जीपीआरएस, जीपीआरएस और उसके बाद आएगा फिर आपका बीआईबी। अभी जीपीआरएस क्या है, जीपीआरएस पे जी मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, कुछ एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज होती, जैसे कि रिक्शा के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, है ना, बैलगाड़ी होगी, ब्लक कार्ट जिसे बोलते हैं उसके थ्रू होता है, तांगा हो गया उसके थ्रू, ये जो छोटे छोटे हुए इनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन आपका एग्जेम्प्ट किया जाता है, ट्रक वगैरह से होता है तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। पी फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जब हम ऑफिस जा रहे हैं या अपने कोचिंग जा रहे हैं बस में बैठ के जा रहे हैं, नॉन एसी बस है खटारा सी है, धक्के खाते जा रहे हैं उस वजह से करके हुए, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्या जीएसटी ऐसी बस में बैठेगा, नहीं एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर टूरिस्ट वाली बस हो तो सबसे आगे जीएसटी बैठेगा उसमें आके, ठीक है, या एसी बस हुई तब भी बैठ जाएगा उसमें आके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब बात की लचक को देख रहा कि हमारा ये कितना रंगीला है जीएसटी, बारात की बस नॉन एसी है भले ही, बारात की बस पे जीएसटी आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, क्योंकि
जब शादी हो रही है, घर में शादी का माहौल है, तो एक ही बात याद आती है, क्या कि आज खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, आज खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए और पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए, है ना। तो जब इतनी खुशी मिल रही है, शादी का घर में माहौल है, तो लॉ मेकर भी कहता है कि थोड़े यहां भी छलका दो, हमें भी जीएसटी दे। अच्छा देखो, आप घर में भी देखा होगा, जिस दिन मम्मी का या डैडी का या पापा जी का अपना मूड खराब होगा, आप कोई डिमांड नहीं रखते होगे, पता है कि रैपटाई मिलेगा वहां से, ठीक है। लेकिन जिस दिन मूड ठीक होगा, खुश होंगे वो, उस दिन कोई भी डिमांड लगाओ, तुरंत तो आपकी सेंक्शन होके आ जाती है। हाँ बोलो। हाँ, ये जीएसटी भी मूड देख रहा है लोगों का। शमशान घाट गया था? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं रे, सप्लाई से बाहर कर दिया। नॉन एसी बस, व्यक्ति वैसे दुखी है, जीएसटी और पहुंच जाए वहां पे, मारेगा पकड़ के, फेंक देगा बारिश को वहां से। बारात की बस मूड ठीक है, ये नहीं कह रहे यार शादी और करनी पड़ रही है, सब बारात जाए, ऐसा थोड़ा होगा। व्यक्ति खुश होगा, जीएसटी क्या, जान मांगो जान भी दे देगा वहां तो व्यक्ति। तो ऐसे करके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। आर का मतलब है रेंटिंग वगैरह, रेंटिंग। जैसे मान लीजिए आपने कोई आंटी का घर के रूम को किराए पर लिया हुआ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो रोटी कपड़ा और नहीं, ऐसी नौबत ना आए कि आंटी को पुलिस बुलानी पड़े, तो वहां पर रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान जो बेसिक नीड है उसके चलते हुए यहां पर एग्जम्पशन दे दी गई है। पर एक बात पूछना चाहता हूं, आपने देखा होगा कई सारे घरों में रेजिडेंस के अलावा, तो मुझे ना यहां से बिगाड़ के भेजोगे, सच बता रहा हूं मैं तो बताऊं, मेरी क्लास ना, मैं दावे से बोलता हूं, क्योंकि तो जैसे लाइव एट होम क्लास होती है ना, तो बच्चे घर पे देखते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी आसपास ही होंगे, तो मुझे बड़ा संभल के रहना पड़ता है कि मेरे मुंह से गलती से कोई ऐसा शब्द ना निकले कि माँ बाप बोले कि क्या सिखा रहा है टीचर हमारे बच्चों को। तो मैं तो धार्मिक धर्म कर्म की बातें ज्यादा करता हूं वहां पर, तो बच्चों की ये रिस्पॉन्स आता है कि हमारी दादी भी आपको बहुत लाइक करती है, वो भी क्लास देखती है। तो वैसे करके तो है फैमिली क्लास, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बिगाड़ के छोड़ोगे ना। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, कि रेजिडेंस के अलावा किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि कोचिंग सेंटर चल रहा है, डॉक्टर का क्लिनिक चल रहा है, किसी ने बुटीक खोल दिया है, हेयर ड्रेसर की शॉप खुली हुई है, एम आई राइट। अब बताओ, अगर कंसेप्चुअली बात को पकड़ रहे, तो आंटी के घर का किराए का कमरा, उसमें चल रही एक दुकान, तो किराए पर जीएसटी आना चाहिए कि नहीं, समझ में, क्योंकि ये तो बेसिक नीड में नहीं आता ना। हमने रेजिडेंस को क्यों मना किया, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान उसके चलते ये नीड नहीं है। लेकिन ये सरकार ना बड़ी चालू होती जा रही है, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट एक पता क्या डाली है, कि अगर वो आंटी जो है वो डील हुई है B2C यानी एंड यूजर है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डील हुई है B2B यानी कि जैसे कोई कंपनी है, एक कंपनी ने घर किराए पर ले लिए हैं और आप उसके एम्प्लॉय वहां रहते हैं, होता ना ऐसा, तो कह रहे अगर ट्रांजैक्शन B2B, B2B मतलब वे रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वहां पर जीएसटी ले लिया जाएगा। इतनी चालू पड़ रही सरकार, छोड़ नहीं रही है, पर कैसे जाएगा भी प्रैक्टिकल, आपके घर का एक कमरा है और किसी कंपनी ने किराए पर लिया है, क्या नॉर्मल चार्ज में जीएसटी जाएगा क्या? अगर नॉर्मल चार्ज लगाया तो आंटी कभी 20 लाख से ऊपर ही नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आएगी, एक दो कमरा आंटी के पास में। तो जालिमों ने पता क्या किया, करा रिवर्स चार्ज में कंपनी भरेगी, अगर आंटी ने अपना कमरा किसी कंपनी को दिया है जिसमें कंपनी के लोग रहते हैं, तो इस पर जीएसटी लगेगा और कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना पड़ेगा। दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन योर जीएसटी, समझ में आ गया ना। एंड यूजर है तो नहीं लगेगा, मैं हूं, मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है, मैं खुद ही खाना बनाता हूं, मैं पता है आपको, हाँ बहुत टेस्टी खाना बनाता हूं मैं, कभी आना हवेली पर। तो मैंने एक मैंने मैं अगर मैंने अपने इंडिविजुअल नाम पर लिया है वो फ्लैट किराए पर, क्या जीएसटी आएगा? लेकिन मैं मेरी कंपनी के नाम पर अगर उसको रेंट एग्रीमेंट करूं तो क्या जीएसटी आ जाएगा? यस आ जाएगा, और रिवर्स चार्ज में मेरी कंपनी को जीएसटी भरना पड़ेगा।
पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने रेंट एग्रीमेंट अपनी कंपनी के नाम पे नहीं अपने नाम पे कराया। मैं क्या करता था पहले, सारे काम मैं कंपनी के नाम पर ही करता हूं ताकि जहां हो सके क्रेडिट वगैरह मुझे मिल जाए, है ना, इनकम टैक्स में खर्चा भी मिल जाए। लेकिन इन्होंने पकड़ लिया यहां पे आके, कह रहे अब करो कंपनी के नाम पर, कंपनी के नाम पे कर दी जीएसटी आ जाएगा। तो मैंने अब कंपनी के नाम पर नहीं किया, मैंने खुद के नाम पर ही वो रेंट एग्रीमेंट किया है। मैं भी खूब तेज हूं। आगे चलते हैं, रेंटिंग की बात हो गई। रेंटिंग के बाद आगे बोलते हैं एस। एस का मतलब है सोशल एक्टिविटीज। जितने भी आपके ये एनजीओज होते हैं ना, जो अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, कि या अपने जो ये लाइक यूनियन होती है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जो काली पट्टी बांधकर ये करते हैं काम, तो इनको भी कंट्रीब्यूशन मिलता है अपने मेंबर लोगों से। मान लीजिए हम इकट्ठे हो जाते हैं, एक सीए स्टूडेंट की यूनियन बनाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, कॉपी ठीक से चेक करो, ठीक है। तो हम जब कोई रोड शो करेंगे, कोई रैली निकालेंगे, तो पैसे तो खर्च होंगे ना, काली पट्टी भी बांधेंगे, हाय हाय करेंगे वहां पे जाके, तो खर्चा तो आएगा ना। वो खर्चा पैसे कहां से आएंगे, मेरे जेब से क्या, हम सभी करेंगे। मान लीजिए हमें पता है कि यार 500 बच्चे हैं, 50,000 खर्चा आना, तो 100-100 रुपए का कंट्रीब्यूशन ले लेंगे। तो ये जो कंट्रीब्यूशन यहां पर होगा, क्या इस पर जीएसटी आएगा? द आंसर इज नो, इट्स अ सोशल कॉज। ठीक है जी, नहीं आएगा। आगे है बीआईबी। बी का मतलब है बैंकिंग। कुछ एक बैंकिंग एक्टिविटीज को एग्जेम्प्ट कर रखा है, जैसे कि जनधन योजना। जनधन याद है, 1 रुपए वाली स्कीम आई थी, हालांकि उसमें आप बहुत छोटे हो गए, पर सरकार ना बड़ी चालू है। पहले अब उल्टा देखिए, उल्टा जीएसटी आया, उससे पहले नोटबंदी हुई, उससे पहले जियो फ्री दिया गया, उससे पहले जनधन योजना के सबके खाते खुले थे, अकाउंट्स खुले थे बैंक में। आप पूछ रहे होंगे क्या कह रहे हो, सीधा चलो, गवर्नमेंट को पता था बेटा नोटबंदी करेंगे, कैश खत्म करेंगे, तो हम लोगों को बैंक्स की तरफ मूव करेंगे, तो एटलीस्ट उनका बैंक अकाउंट तो होना चाहिए ना। अमीर आदमी का सबका होता, गरीबों के नहीं होते बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, बैंक अकाउंट को इजीली ऑपरेट कर पाए इसके लिए मोबाइल पर उसके पास वो सुविधा होनी चाहिए। लेकिन मोबाइल पर जियो से पहले इंटरनेट का कोई सीन नहीं होता था, अमीर आदमी कुछ भी करेगा, गरीबों के पास में इंटरनेट नहीं था। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जनधन योजना लेकर आई, 1 रुपए वाले खाते खुलवाए और लाइन लगवा के बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे, याद है ना आपको, इतनी भारी लाइन आज तक कहीं नहीं लगी जितनी जनधन योजना में लगी थी। नंबर दो, स्टेप नंबर टू गवर्नमेंट का, देखो कितने लंबे समय से प्लानिंग है। नंबर टू, गवर्नमेंट ने जियो को लेकर आई और जियो फ्री कर दिया सालों साल के लिए, जिससे कि घर घर, गांव गांव, शहर शहर, गरीब से गरीब व्यक्ति पर भी जियो का कनेक्शन था, आपके पास में भी कनेक्शन होगा। और आज के डेट में ट्रेंड ये है कि एक नॉर्मल अपना पुराना और एक जियो का रहता ही रहता है, है ना। अच्छा जी, उसके बाद स्मार्टफोन में क्रांति आई थी जियो के आने के बाद, घर घर हर व्यक्ति पे। अब छोटे फोन खत्म हो गए, सब पे बड़ा फोन था, 5-5 हजार रुपए के बड़े बड़े फोन, स्मार्टफोन मिलने लग गए थे। तो गांव गांव, शहर शहर, हर व्यक्ति के पास अब स्मार्टफोन और जियो था, बैंक में अकाउंट भी था। अब फट से गवर्नमेंट ने नोटबंदी कर दी, डिमोनेटाइजेशन कर दिया वहां पर आकर, कि लेना कैश खत्म कर, तेरे पास मोबाइल भी है, बैंकिंग की एक्सेस भी है, सारे काम तू यहीं से करके चल। वहां पर उसका दिमाग लगाया, इधर जीएसटी लाके ठोक दिया कि जितने भी व्यापारी लोग हैं अब कोई चोरी नहीं हो पाएगी और सारे काम ठीक से होंगे और ब्लैक मनी अब फिर से जनरेट नहीं होगी, इसलिए जीएसटी लाके रख दिया। आप समझ रहे हैं, कुछ लिंक आपको समझ में आ रहा है चीज का। तो गवर्नमेंट बड़ी तेज है। तो जो जनधन योजना है उसमें जो खाते खुले थे, तो उस बैंक अकाउंट के संबंध में बैंक्स के द्वारा ना कुछ एक सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि एसएमएस की सर्विस हो गई, या और बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करा दिया, उस टाइप की चार्ज लेते हैं, उसकी सर्विस हो गई, तो इन चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये जो छोटी मोटी सर्विस दी जाती है, अगर मैं हूं, मेरा अकाउंट है और उस पे तो आएगा, क्योंकि मेरा जनधन अकाउंट नहीं है, उस पे बैंक जो सर्विसेज देता है तो बैंक चार्जेस पर जीएसटी आएगा। लेकिन जनधन योजना के जो अकाउंट्स थे उस पर जो बैंक सर्विस दे रहा है तो बैंक चार्ज तो लगेंगे, लेकिन उन बैंक चार्जेस पर जीएसटी नहीं होगा, ये कह रहे हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं यहां पर आकर, बीआईबी इंश्योरेंस। गरीब जनता के लिए, सबके लिए नहीं, गरीब जनता के लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज गवर्नमेंट ने निकाल रखी हैं, तो उन इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए जीएसटी नहीं आता, उनके प्रीमियम पर जीएसटी नहीं आता। और लास्ट पॉइंट है बिजनेस रिलेटेड,
कुछ और एक्टिविटीज आपकी देखने की मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है, मेरा ट्रक जा रहा है और मैं टोल पार करना था, तो जो टोल टैक्स चार्जेस होते हैं उन टोल चार्जेस पर जीएसटी नहीं आता, और भी इक्का दुक्का बातें बिजनेस संबंधी मिलेंगी। तो क्या क्या है? दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस, बीआईबी। जीपीआरएस में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रेंटिंग, और एस का मतलब सोशल एक्टिविटीज, जीपीआर, बीआईबी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड बिजनेस रिलेटेड। तो दीज आर द 100 टाइप ऑफ एग्जम्पशंस इन सर्विस सेक्टर। चलो मैं ब्रेक देता हूं, ब्रेक, और सुनो, हमारे 5 गेट समाप्त हुए हैं। अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं, तो आपको 5 गेट पर उसे टेस्ट करना है कि लगेगा या नहीं। अगर बाहर निकल गया तो गया, और नहीं गया तो अब जीएसटी लगाया जाएगा। लगाया जाएगा तो कितना लगेगा, अब सीखेंगे कंप्यूटेशन। ठीक, ब्रेक। रिलेटेड टोल चार्जेस जैसे,
जीवन से। ये देंगे, ये मैं रोज बोलता हूं इनको, कहते देंगे देंगे देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, अध्यक्ष है, स्क्रीन चेंज, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, जहां पर हम जाना नहीं जाते हैं। अच्छा जी आयुष, चलो साहब, तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, सो इसमें हम जो जीएसटी लगाते हैं, आपने इनवॉइस तो देखा ही होगा कभी ना कभी। इनवॉइस के अंदर आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक है, वो हॉल में आवाज अच्छी आती है, वही तो। अगली बार ऑडिटोरियम में लेंगे। इनवॉइस साहब, साहब बैठिए। इनवॉइस जो होता है, इसमें एक होती है वैल्यू। बाबू जरा ध्यान दो प्लीज, कम टू द पॉइंट। वैल्यू है 100 रुपीज की, जीएसटी आ जाता है 18 रुपए का, ये वैल्यू बनती है 118 रुपए की। प्लीज ध्यान दीजिए, अब जो बातें हो रही हैं बहुत टेक्निकल बातें नहीं है, इजी बातें, आसान है, हल्की फुल्की है। तो वैल्यू आ गई 100 रुपए की, पता है इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, 100 रुपीज को, इसे बोलते हैं असेसेबल वैल्यू। क्या असेसेबल वैल्यू है ना? और पता है ये जीएसटी हो गया अपना, नो डाउट, और इस वाली वैल्यू क्या बोलेंगे, 118 क्या बोलेंगे, इनवॉइस वैल्यू। क्या बोलते हैं, इनवॉइस वैल्यू, यानी कि कभी मैं आपसे बोलूं इनवॉइस वैल्यू तो मीनिंग देयर बाय आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू, ठीक है, और कभी बोलूं असेसेबल वैल्यू तो वो वैल्यू जिसके ओवर एंड अबव, आवाज ठीक नहीं आ रही मुझे ऐसा लगता है। अतुल, 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 पहले जितनी ठीक नहीं आ रही ना। तो इसे बोलते हैं असेसेबल वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपकी असेसेबल वैल्यू, तो मुझे एक बात बताइए, सपोज कीजिए मेरी जो फीस है वो 5000 रुपीज की है और ये है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी असेसेबल वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से। अरे साहब जल्दी बताओ, मेरी जीएसटी रेट, जीएसटी रेट कुछ ना दिया करे तो आप मान लिया करो अपने आप 18%। हाँ बताओ कितनी आएगी वैल्यू, 4000, 4100, कैसे किया आपने, असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू, आपने निकाला 5000 का 18%, जो कि निहायती गलत है। और हम क्या कह रहे हैं समझे नहीं आप, हम ये कह रहे हैं आपसे कि दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू आपकी इनवॉइस वैल्यू दी थी हमने आपको, हमने आपको इनवॉइस वैल्यू दी थी और आपसे पूछा है असेसेबल वैल्यू, बताइए कितनी आएगी, कैसे निकालें, 5000 × 100 डिवाइड बाय हाउ मच, 4237। अच्छा आप इसका इनवॉइस बनाएंगे, मेरी फीस 5000 रुपए की है,
मेरा अकाउंटेंट बैठा हुआ है, वो गलती कर रहा था इनवॉइस बनाने में। उसे बताओ असेसिव इनवॉइस में कैसे बनते हैं, एक वैल्यू लिखी जाती है और एक जीएसटी होता है। तो इनवॉइस आप बनवा रहे हैं तो यहां लिखेंगे वैल्यू और यहां आएगा जीएसटी। बताइए कितनी वैल्यू लिखूंगा इनवॉइस में, इसी क्वेश्चन में 4237, इसे वैल्यू कह लो, टैक्सेबल वैल्यू कह लो, जो है वही आएगी। और जीएसटी कितना आ जाएगा, 763। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना, 5000। तो मीनिंग समझ में आ गया ना, व्हाट इज इनवॉइस वैल्यू एंड व्हाट इज असेसिबल वैल्यू। तो असेसिबल वैल्यू वो वाली वैल्यू है जिसके ओवर एंड अबव हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब ये असेसिबल वैल्यू को थोड़ा और फिल्टर करते हैं। एवी लिख दूं शॉर्ट में, अतुल को बोला जा रहा है। असेसिबल वैल्यू मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब हमें जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए खर्चे वर्चे काटने से कोई मतलब नहीं है। विजय सर आपको पढ़ा रहे हैं ना पीजीबीपी, अलाउड एक्सपेंसेस। मुझे मतलब नहीं है अलाउड एक्सपेंसेस, मेरा तो ग्रॉस पे चलता है, मेरा ग्रॉस पे चलता है, ज्यादा मस्त है हमारा। नहीं, ट्रांजेक्शन यानी कि प्राइस, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। जो भी हमारी गुड्स के सर्विस की ट्रांजेक्शन हुई है उसमें एक्चुअली प्राइस पेड और पेबल क्या है। अब प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल समटाइम्स आपको देखने के लिए मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कभी कभी देखने को मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो वो अंतर आप समझ चुके हैं, एम आई राइट। तो असेसिबल वैल्यू जो होती है दिस अमाउंट, ये ना आवाज खराब आ रही है, अतुल कहां है। तो यहां पर ये जो हमारा बात कर रहे हैं हम लोग कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो असेसिबल वैल्यू की जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, आप कुछ मत करना। तो ये एक्सक्लूसिव होती है जीएसटी या इनक्लूसिव, जिसको मैं असेसिबल वैल्यू बोलता हूं वो एक्सक्लूसिव ऑफ, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या हमें कुछ प्लस माइनस भी करना होता है, क्या वैल्यूएशन जब करने बैठेंगे अपने सप्लाईज का, तो बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी तो बताया करो कि क्या कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी या नहीं। हाँ करनी पड़ेंगी, कुछ घटाना होगा, कुछ जोड़ना होगा, देन यहां पर आएगी आपकी फाइनल ट्रांजैक्शन वैल्यू या फाइनल असेसेबल वैल्यू। इज इट ओके। अच्छा अब अगला प्रश्न ये आता है कि यार वो एडजस्टमेंट क्या है। उन एडजस्टमेंट का नाम है इडियट्स। इडियट्स, इडियट्स में जो पहला आई आता है, इस पहले आई का मतलब है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इसमें पहला आया यहां पर फर्स्ट नंबर पर, आई मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बाबू मेरे, मतलब एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, लिख लो शब्द भी है एसोसिएटेड एक्सपेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोशिश किया करो यार, तुम लो बनाने बना रहे हो यार, तुम बनाओ ना एसोसिएट, किसी भी सप्लाई से कनेक्टेड एक्सपेंसेस, एसोसिएट एक्सपेंसेस, छिटपुट खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, पैकिंग, फ्रेट, है ना। हाँ वेरी गुड। तो इसमें आपकी ये जैसे मान लीजिए वैल्यू आ रही थी यहां पर आपकी 1000 रुपए की, और कुछ एक पैकिंग का एक्सपेंसेस था, या फिर कोई फ्रेट एक्सपेंसेस था, या कोई कैरेज एटसेट्रा, ये कुछ छुटपुट जो खर्चे होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो आप बताइए व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट,
whether these kind of expenses should be treated independently or should become the part of main supply. दो तरीके होंगे, या तो आप जो कैरिज वगैरह है उसको इंडिपेंडेंटली देखो भाई, अलग वो सर्विस है, वो एक उस पर अपना खुद का रेट, अपनी वैल्यू, या फिर वो उसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हुई है तो मेन सप्लाई की वजह से. अभी मेन सप्लाई चाहे गुड्स की है चाहे सर्विस की है, उसी में इसको ऐड कर दो और मेन सप्लाई का रेट ही इसके ऊपर लगा दिया जाएगा. क्योंकि जब हम कोई भी चीज बाहर से लेकर आते हैं, मैं एक मशीन बाहर से लेकर आया हूं, 5 लाख की मशीन थी, 5,000 रुपए का फ्रेट था. किसी ने मुझसे पूछा का लाए हो रे, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं बोलूंगा मशीन लाया हूं और फ्रेट की सर्विस लाया हूं, ऐसे बोलूंगा क्या मैं? नहीं, बोलो मशीन लाया हूं. मशीन कितने में पड़ी? जितने भी लाने में एसोसिएट एक्सपेंसेस हुए होंगे वो सब मशीन के अंदर आकर डाइल्यूट हो जाते. यही होता है ना? यस. मैं कार लेकर आता हूं, कार के साथ ओरिजिनल वारंटी भी आती है उसकी, या कोई भी प्रोडक्ट आता है ओरिजिनल वारंटी आती है ना, कि 1 साल की वारंटी उसकी, तो क्या वो वारंटी फ्री में देते हैं? दिखने में फ्री होती है लेकिन उसके लिए भी चार्जेस होते हैं. 9,50,000 रुपए की कार है, 50,000 रुपए के ओरिजिनल वारंटी चार्जेस हैं उनके. तो क्या करें, 50,000 को अलग ट्रीट करूं, 9,50,000 को अलग ट्रीट करूं, गुड्स अलग अलग टैक्स लगाऊं, या मुझसे कोई पूछेगा क्या लाए हो, क्या जवाब दूंगा? कार. ओरिजिनल वारंटी कार की वैल्यू में ही डाइल्यूट हो जाती है. ठीक है, तो दीज आर काइंड ऑफ एसोसिएटेड एक्सपेंसेस जिनको मेन वैल्यू की सप्लाई में ही ऐड कर दिया जाएगा. इडियट्स. अब आता है दूसरे नंबर पर आपका डी, डी फॉर डिस्काउंट. तो ये जो मेरे एसोसिएट एक्सपेंसेस थे इनके आगे मैंने लिख दिया इनक्लूडिबल, कि भाई साहब ये शामिल किए जाएंगे. अभी डिस्काउंट का क्या करूं रे? जीएसटी कैलकुलेशन के लिए डिस्काउंट को घटाया जाएगा या नहीं? 1,000 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, 5% का उस पर शोरूम वाला कपड़े खरीदने गए थे, डिस्काउंट आपको देता है, तो जीएसटी कैलकुलेशन पूरी वैल्यू पर होगी या नेट ऑफ डिस्काउंट पर होगी? मैं ये कह रहा हूं कि भले ही ये बात स्पेशली ना बोली जाए तब भी डिस्काउंट घट जाएगा. कैसे बताऊं? ट्रांजैक्शन वैल्यू को डिफाइन किया जाता है कुछ ऐसे, बोलना, प्राइस एक्चुअली पेड और पेव, दीज वर्डिंग्स इन इटसेल्फ एक्सक्लूड डिस्काउंट. 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए डिस्काउंट है, 900, तो एक्चुअली पेड और पेवर 900 रुपए आता है, तो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है. फिर भी लॉ मेकर ने अलग से बता दिया है कि डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया जाएगा. डिस्काउंट यहां पर एक्सक्लूडिबल है, वेरी गुड. यानी कि अगर वैल्यू हमारी आती है 1,000 रुपए की, इस पे डिस्काउंट जो होता है वो 100 रुपए का है, 900 इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू और यही बनेगी असेसिबल वैल्यू. डिस्काउंट किसी भी नाम से हो सकता है, कैश डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, आपका ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट, होली डिस्काउंट, वैलेंटाइन डे डिस्काउंट, न्यू बैच डिस्काउंट, 15 अगस्त का डिस्काउंट, जब माल नहीं बेचता तो ऐसे करते हैं डिस्काउंट पे डिस्काउंट, मेरी आज एनिवर्सरी है उसका डिस्काउंट, मेरा बर्थडे है उसका डिस्काउंट, आज संडे डिस्काउंट, फिर आएगा एक दिन ऑल डे डिस्काउंट. चलिए नंबर 3 पर आते हैं. ई डी आई डी फिर आई आ गया. अब ई आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट एंड, ये आसान है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. जी साहब, जैसे मान लीजिए मेरी जो फीस है, मेरी फीस 10,000 रुपीज की है बिना जीएसटी के ना, और इस पे आपने लेट कर दिया पैसा. मैं ऐसा कभी करूंगा नहीं, पर मान लेते हैं मैंने इंटरेस्ट लगा दिया आपके ऊपर 1,000 रुपए का, आपने और लेट किया, मैंने इंटरेस्ट के साथ साथ आपके ऊपर एक पेनल्टी भी लगाई. मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन मान लेते हैं 500 रुपए. मैं आपसे पूरा पैसा कितना चार्ज करूंगा? 11,000. सोचकर और समझकर मेरी बातों में मत आना, अपने विचार रखना, क्योंकि जब तक तुम उसी लीक पर चलते रहोगे, उसी रास्ते पे चलते रहोगे जो तुम्हें बनाकर दे दिया गया, तो देश कैसे बदलेगा यार? जो लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं ना, उनमें एक बात अलग होती है, क्या कुछ अलग ही सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस
भीड़ के जैसा नहीं होता, अलग होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक समथिंग डिफरेंट। और मैं तो कह रहा हूं आपको ये मौका मिला है ना यार डेवलप होने का, तो क्यों नहीं करते आप, करो प्रयास। बताइए हाउ मच अमाउंट लाइबल टू जीएसटी? 11,500? 10,000? 10,000 वाले वोट सबको करनी है यार, मैं देखता हूँ बहुत लोग वोट ही नहीं करते। 10,000 डाउन। 11,500? अच्छा 1,100? 11,000? अच्छा मतलब ये है कि क्लास 3 हिस्सों में बट गई है, कि कुछ कंफ्यूज है, नहीं डिसाइड कर पा रहे, कुछ कह रहे 10, कुछ कह रहे 11,500। मेरी ओपिनियन, चलो मैं कुछ डेटा देता हूं आपको मैं। ये जो था ये किसके लिए था? 10,000 फॉर गुड्स ना, सर्विस, फॉर मैं सर्विस की बात कर रहा था आपसे, ये था फॉर सर्विस, सर्विस का कंसीडरेशन था ना ये, सर्विस का कंसीडरेशन था ये। इंटरेस्ट जो मैं सर्विस आपको दे रहा हूं, क्या ये इंटरेस्ट उस सर्विस का कंसीडरेशन है? मुझे कंसीडरेशन चाहिए, कंसीडरेशन। अब एक बच्चे ने पूछा था यहां से कि जब हमें बीमा कंपनी से पैसा मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है, तो उस पर जीएसटी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमें कंसीडरेशन नहीं मिलता, कॉम्पनसेशन मिलता है फॉर विच वी हैड ऑलरेडी पेड द प्रीमियम। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार वालों को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या वाला क्या बोलेगा कि लीजिए आपके घर से जो व्यक्ति मर गया है ये उसकी जान की कीमत है, कंसीडरेशन है? नहीं, वो ये बोलता है कि देखिए ये जो नुकसान आपको हुआ है इसकी लाइक कोई कंपन भरपाई तो नहीं कर सकते, बट फिर भी इन्होंने प्रीमियम पे किया था और हम उसका कुछ कॉम्पनसेशन आपको दे रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, जो नुकसान हुआ है, कॉम्पनसेशन मीन्स जो नुकसान हुआ उसकी फुलफिल करना, उसको उस लॉस को फुलफिल करना। तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसीडरेशन, दैट इज कॉम्पनसेशन। ये इंटरेस्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट इन दिस केस? मैं बोल रहा हूं जवाब देना। आपने जो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी यूज की, ये उसका कंसीडरेशन है। जो आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करी, ये उसका कंसीडरेशन है, ना कि ये मेरी सर्विस का कंसीडरेशन है। ठीक, ऐसी पेनल्टी, पेनल्टी किसी सर्विस का, किसी सप्लाई का कंसीडरेशन नहीं है। जब हम किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते, ऑन टाइम नहीं करते, तो एज ए पनिशमेंट, एज ए पिनलाइज हमको किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, बाय वे ऑफ इंपोजिंग पेनल्टी। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए कंसीडरेशन ऑफ एनी ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस। सो आई स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली सेड कि इस पर जीएसटी कभी भी नहीं आना चाहिए। पर दूसरा, अभी पर नहीं, दूसरी एक और बात बताऊं, जो हमारा ओल्ड सिस्टम था एक्साइज वेट वगैरह, उसमें भी आज तक कभी भी जीएसटी से पहले इस पर कोई टैक्स का लोड नहीं आया है, कभी नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं उस लायक। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब आपने मुझे पैसा दोगे तो आप मुझे अलग अलग पेमेंट करोगे या इकट्ठा करोगे? 11,500, समझना प्रैक्टिकल बात को। मेरे बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा 11,500, मैं टैक्स कितने पे भरूंगा? 10,000 पे। कल को ऑफिसर क्वेश्चन मार्क लगाएगा आके कि साहब आपने 11,500 अपने बैंक खाते में रिसीव कर रखे हैं, बैंक अकाउंट में आपके में है, बट यू आर पेइंग जीएसटी ऑन 10,000 ओनली। नोटिस डालेगा मुझे, 50 क्वेश्चन करेगा। एट दैट टाइम आई विल हैव टू जस्टिफाई, आई विल हैव टू सेग्रीगेट कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरी सर्विस का कंसिडरेशन सिर्फ 10,000 था, ये 1,000 इंटरेस्ट है, 500 रुपए पेनल्टी है। ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, मैं राइट, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखानी पड़ेगी जो आपके हमारे बीच में था, कि लेट किया तो ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। मुझे अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़ेगा, मुझे अपने अकाउंट्स से, कैसे अकाउंट्स में क्या दिखाऊंगा, मेरी जो सेल है वो 10,000 आएगी, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगी, सेल मेरे ट्रेडिंग में जाएगी, am I right?
अगर मैं जेन्युइनली ठीक हूं, ये इंटरेस्ट और पेनल्टी ही है, तो मेरे प्रोफेशनल से क्रेडिट में जाएंगे इंटरेस्ट पेनल्टी, और मेरी टर्नओवर मेरी सेल में जाएगी 10,000 रुपीज, मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर अधिकारी को मैं सेटिस्फाई कर देता हूं, ओनली आफ्टर दैट ही विल अलाउ मी कि ठीक है ओके, नाउ इट इज कंफर्म्ड कि इट इज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और आप 10,000 रुपए जीएसटी भर सकते हो, टैक्स भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिस्टम था पुराने में। अब जीएसटी में आके सरकार ने कहा कि यह थोड़ा मुश्किल वाला काम है, दिक्कत वाला काम है, ये डिस्प्यूट होते हैं इस तरह के प्रोसेस में। मना नहीं कर रहे कि इंटरेस्ट और जीए पेनल्टी पे टैक्स, वो भी नहीं चाहते कि लगे, पर प्रॉब्लम उनके सामने ये आ रही है कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लाई करने में, अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स हैं। उसको सेग्रीगेट करके दिखाना पड़ता है कि यार ये मेरा कंसिडरेशन और ये इंटरेस्ट पेनल्टी है। तो गवर्नमेंट ने सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए अपने कुछ जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उसूल होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको ब्रेक करते हुए कहा कि यह पैसा भी इंक्लूड किया जाएगा। आपको समझ में आई बात? लॉजिकली, एथिकली, सोशली, किसी भी एंगल से इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ असेसेबल वैल्यू। इस पर जीएसटी का लोड नहीं आना चाहिए। बट अगर ऐसा बोलते ही ये चीज लिटिगेशन में चली जाती है, डिस्प्यूट होने लगते हैं, टैक्स पेयर को सेग्रीगेट करके दिखाना पड़ता है ऑफिसर को, क्योंकि बैंक अकाउंट में 11,500 इकट्ठे पहुंचे हुए हैं। तो इन सभी से बचने के लिए उन्होंने कहा ऐसी की तैसी में जान दो, जो भी आया सब पे जीएसटी लगा दो। राइट, चलो तो यहां आएगा जीएसटी ऑन 11,500 एट द रेट, कितना अमाउंट बता बोलेंगे आप प्लीज? 18,2070, तो ये 13,570 ये अपना यहां पर आ जाएगा ऐसे करके। आई होप आपको बात याद रहेगी कि ऐसा क्यों हुआ है। इडियट्स, IDIO, ओ आता है फोर्थ पॉइंट, ऑब्लिगेशन ऑफ, ऑब्लिगेशन का मतलब बोलूं, लाइबिलिटी बोल दू, ऑब्लिगेशन मीन्स लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपल्शंस, ऑब्लिगेशंस। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, आप में इसको उठ कर आइए, आप ये जाओ, इनके हमारे बीच में एक डील हुई कि हम ये टीवी आपको वहीं वहीं पर है ना, आप कस्टमर हो, मैं इधर हूं सेलर हूं ना, काउंटर है, तो ये काउंटर है, ये टीवी है, और हम आपको ये टीवी, आप उसमें आ जाओ, कैमरे के रेंज में आ जाओ, बोला उसको, चलो चलो कोई नहीं, अब कैमरे के रेंज में आओ, ठीक है, ओके। तो यहां पर आकर इनके हमारे बीच में डील होती है एक टेलीविजन की, आई हैव इलेक्ट्रॉनिक गुड शोरूम, ठीक। ये टीवी पुराना था, तो ये टीवी मैं आपको 10,000 रुपीज में दे दूंगा। अभी बोलेंगे ठीक है, पता नहीं यहां तो चलता हुआ दिख रहा है, कल को घर जाके चले ना चले, तो क्यों ना इस टेलीविजन की किसी थर्ड पार्टी से टेस्टिंग कराई जाए कि सही है भी या नहीं। पुरानी कार खरीदते हैं तो कारों की भी किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति से, मैकेनिक वगैरह से हम टेस्ट कराते हैं कि भाई चेक करो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन वो खर्चा कौन बियर करेगा, आप या मैं? नॉर्मली कौन बियर, सेलर बियर करेगा या बायर? चलो वो तो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपके हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो मैंने कहा सुनो, ये आप चिंता ना करो, टीवी बढ़िया है। एक रहे नहीं कैसे मान लो, मैंने कहा चिंता मत करो, थर्ड पार्टी के इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के साथ आपको टीवी दूंगा। नॉर्मली सेलर ऐसे ही करता है, कह सर्टिफाइड होके मिलेगा, चिंता मत करो। आप टीवी कीमत 10,000 रुपए, 1,000 रुपए खर्चा आएगा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का, वो मैं ही करा के दूंगा, आपको सिर्फ 10,000 देने हैं, 1,000 रुपए बाहर मैं खर्च करूंगा। थर्ड पार्टी ये हैं इधर से आए। अब नॉर्मली होगा क्या कि मैं इनसे टीवी ये टेस्ट कराऊंगा, पीछे आ जाओ, इनसे टीवी में टेस्ट कराऊंगा, ठीक है ना, और
आप मुझे कितने पैसे देंगे? लाओ 10,000 लाओ, ये कुछ नहीं होता। मैं पैसे के बिना, मुझे पैसे के बिना मुझे नींद नहीं खुलती मेरी। एक और नोट है, एक और। इनसे मैंने 10,000 रुपये ले लिए, 10,000 रुपये मैंने इनसे ले लिए। अब मैं क्या कर, सुनो प्लीज प्लीज, 10,000 ले लिए। अब इसमें से मुझे कुछ खर्चा भी करना है। मैंने 1,000 रुपये दे दिए इनको, टेस्टिंग वालों को। मेरी पॉकेट में क्या बचा? मेरी पॉकेट में क्या बचा? 9,000। अब ले जाओ टीवी। आपने 10,000 दिए, सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट कहाँ भाई? हाँ ये रहा ना, ये सर्टिफिकेट वहीं छोड़ आया। ये मैकेनिक पता ना कैसा है, सर्टिफिकेट लेके नहीं आया। ये ली सर्टिफिकेट, टीवी हुआ आपका, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी उठाना मत, लेकिन इसको अभी क्लास चल रही है। जीएसटी कितने रुपए पे लगाया जाएगा? टेन थाउजेंट वाले, अच्छा 9,000 वाले कोई है? हाँ जी खड़े हो जाओ। हाँ जी 9,000, वो क्यों है जी? 1,000 तो बोल दे आपने वहां दे दिया, इसलिए आपकी जेब में तो 9 ही बचे ना। तो अच्छा, मैं इनको जो बिल दूंगा 9,000 का दूंगा 10,000 का? अच्छा बिल दूंगा 10,000 का, जीएसटी लगाऊंगा 9,000 पे। भैया मैं गलत नहीं बोलता किसी को, मैं किसी को गलत नहीं बोलता भाई। आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जीवन में हमेशा याद रखना, जब भी आपके सामने कुछ ऐसे सरकमस्टांस आए, तो कभी किसी व्यक्ति को मुंह पर ही मत बोलना कि तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, उसके सामने कुछ ऐसा सीन क्रिएट करना, कुछ लगे आए यार तू गलत कह रहा था, खुद ब खुद उसे रियलाइज हो। जी साहब, तो जीएसटी 10 पे या 9 पे? 10 पे ना। अच्छा ये बात पहले भी मैंने कह रखी है कि खर्चा मैंने क्या किया बैकएंड पे, उससे मतलब नहीं। यहां भी कुछ बात होगी क्या? ये भी एक ट्रांजैक्शन हुई ना। ही इज द सप्लायर, आई एम द रेसिपियंट। ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मी वैल्यू 1,000 रुपीज, लाइबल टू जीएसटी। ये मेरी इनवर्ड सप्लाई, ये मेरी, यहां पर 1,000 रुपये पे क्रेडिट ले लूंगा, 10,000 रुपये जीएसटी भरूंगा। नेट इंपैक्ट कितने का आ गया? जो आप चाह रहे थे वही हो गया, लेकिन तरीका हमारा रहा। होगा वही जो आप चाहते हो, लेकिन तरीके हमारे होंगे। समझ में आ गई बात? सुनो, ये तो बैकग्राउंड केस था, असली केस तो अब आएगा। रीटेक, लाइट में आ जाओ, कैमरे की रेंज में आ जाओ। अब क्या था? कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही था, कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही था, लेकिन पेमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से आया। पेमेंट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया। ये इनके नेबर थे, पड़ोस में रहते थे, तो इन मैंने इनसे कहा कि एक काम करना। ये मैंने ना इस आदमी को, बाबू आराम से देखो यहां पे ना, जरा सी अगर गलती हो गई, ध्यान रखना मैं डेमो वहां देता हूं जहां मुझे लगता है कि इसमें क्वेरी का स्कोप है, तो क्वेरी का स्कोप खत्म हो जाए। तो यहां पर ये मैंने इनसे कहा कि एक काम करना, देखो मैंने ना, ये इसको कह रहा हूं आपका सौरभ, मैंने ना सौरभ को 1,000 रुपये देने हैं, तो आपसे 10,000 आएंगे, फिर इनको 1,000 दूंगा। ये आपके पड़ोस में रहते हैं, एक काम करना 1,000 रुपये आप दे देना उनको, और ये बोलना कि मैंने भिजवाए हैं। ये तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने इनकी सर्विस ली थी, इनके जो प्रति जो ऑब्लिगेशन है वो मेरा है। अच्छा पैसे ये देकर आएंगे तो ये एंट्री अपनी किताबों में क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू हुम? आपका नाम क्या है? रवीना, लवीना, टू लवीना या टू राज? पक्का ना? मतलब भले ही पेमेंट ये करके आए, बट ही शैल बी ट्रीटेड दैट कि मिस्टर राज ने पैसा दे दिया है,
एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब सुनो मेरी बात। इस केस में 1000 रुपए मैंने यहां दिलवा दिए, अब ये मुझे कितना दो ना, 1000 रुपए दो, हजार ई वाले 1000 रुपए, बाकी मुझे कितना देंगे? 9000। अब मेरे हाथ में आए हैं 9000, अब बताओ जीएसटी कितने पर लगेगा? है 9 वाले। अच्छा, इनवॉइस कितने का बनेगा? पक्का जीएसटी भी? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? वही रहेगा? 1000 रुपए का बिल मुझे ही देंगे, क्रेडिट बुक करूंगा, यानी कि ऐसे अगर पेमेंट घुमा तो इससे कोई फर्क? अब इसको ड्राफ्ट करो पॉइंट को। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इफ एनी ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर, इफ एनी ऑफ द लायबिलिटी ऑफ सप्लायर डायरेक्टली पेड बाय द रेसिपिएंट, डायरेक्टली पेड बाय द रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टी, इट शेल बी इंक्लूडिबल इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। इज इट ओके? बन गया लॉ? ये तो लॉ में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टी, ये आपका यहां पर हो जाएगा इंक्लूडिबल। जी सर, हाँ साहब, इंक्लूडिबल। ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टी इज इंक्लूडिबल। बोलोगे तो नहीं ना पाए? चलो जी, ये जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे ना, लगभग हर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी सप्लायर का ऑब्लिगेशन। चलो नंबर 5, इडियट्स। अब आता है टी, टी फॉर टी फॉर टैक्सेस, अदर टैक्सेस, अदर टैक्सेस, टोबैको वैल्यू ऑफ एक हजार, 10000 मान लीजिए, क्या लगेगा सबसे पहले इस पे? जैसे जैसे इवेंट्स होती हैं वैसे वैसे टैक्स लगता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग होगी टोबैको की या सेल होगी, तो पहले टैक्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी कि जीएसटी? दोनों लगते हैं ना, याद है ना वो ऐसे रहता टोबैको, दोनों बोट पर पैर रखे चलता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ऑफ सपोज 10%, सिंप्लिसिटी के लिए 1000 रुपए ये आ गया, 11000 ये आ गया। अब क्या आएगा इसके ऊपर? भैया भी जीएसटी आना है। अरे बताया तो था मैंने कि टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे पुराना और नया दोनों टैक्स लगते हैं, याद है ना? थोड़ा सा रिवाइज जरूर करो बाबा, थोड़ा सा रिवाइज, एक कम से कम पेज पलट के देख लेते ना, थोड़ा माइंड रिफ्रेश रहता है। तो इसमें आएगा जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% ऑन विच वैल्यू, 11 या 10? 11 वाले। क्यों 11 पे? क्यों? अगर मैं यहां करता हूं 11000 पर, तो 11 का मतलब इस पे कितना आएगा जीएसटी बताना जरा? 28 से 3000, 3080। तो आपने ये जो निकाल दिया 3080, क्या इसमें इस वाले कंपोनेंट पर भी टैक्स ऑन टैक्स? और टैक्स ऑन टैक्स का मतलब है कास्केडिंग। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे कास्केडिंग मिटा देंगे हम। जब जीएसटी आया था तो ये क्या क्या आया था ना, कास्केडिंग मिटा देंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे और कास्केडिंग, ये क्या है? अगर यही करना है तो फिर इससे पुराने वाले में क्या दिक्कत थी भाई साहब? लाइक फिर क्यों? क्या होना चाहिए? ये ता का क्या कॉन्सेप्ट है बताओ ना अभिषेक सर? ता
तो था नहीं बोलते ता, क्या होना चाहिए ता। अरे चुप। कितने पर आना चाहिए था। टेन थाउजेंड पर, पर यहां पर मैंने कहा था आपसे कि जीएसटी ने कास्ट कैडिंग को खत्म किया, पर 99.9 है। यहां पर दिल पर पत्थर रख लीजिए आप, दिल पर पत्थर रख लीजिए, क्योंकि आपका दिल टूटने वाला है। और जो ट्रीटमेंट दिया गया है ये लॉ में ऐसे ही लिखा हुआ है, आई डोंट एग्री विद दिस, बट ऐसा ही है। जबकि नहीं होना चाहिए था, ता, ता, नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा है। आज पहली बार हमें लग रहा है कि जीएसटी लॉ अमेंड होना चाहिए। तो ये जो 0.1% जो कीटाणु रह गए थे ना, वो यही वाले थे। अच्छा, ऐसा इसका स्कोप कितना है, कास्ट कटिंग का स्कोप? शायद बहुत कम, बिकॉज यही तो प्रोडक्ट अकेला ही है, और कहां आएगा? और कौन सा सा प्रोडक्ट है जहां पर कि पुराना भी लग रहा हो, नया भी लग रहा हो? इसको बहुत लिमिटेड है ना। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट 99.99 कास्ट कटिंग खत्म है, कुछ जगह रह गया है। इडियट्स एस है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, सिंपल टोबैको है ना, करे जितना ज्यादा ले सकते हो ले लो। अभी तो जान निकालते इस पे आके, करीब 155% का कॉम्पनसेशन सेस भी लेते हैं अभी तो। इस पे कॉम्पनसेशन सेस मान लीजिए एट रेट ऑफ 150%, कौन सी वैल्यू पर? सेस नॉर्मली टैक्स अमाउंट पर लगता है, पर इस भ्रम में मत रहना, यहां वैल्यू पे लगेगा। जोन सी वाली वैल्यू पर जीएसटी लगता है, वही वाली वैल्यू के ऊपर आपका ये कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है। वैल्यू थी 11,000, निकलना 11,000 का 150%, 16,000। अब बताओ टोटल वैल्यू 30,580। ये लीजिए, ऐसे होगा इसका ट्रीटमेंट। तो यहां तो जान ले रखी टोबैको की, इसलिए इन्होंने किया कि चलो ठीक है। लेकिन लेकिन अब एक क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन का जवाब देंगे आप, ठीक। क्वेश्चन मेरा यह है कि मैंने इंडिया के बाहर से गुड या प्लीज पता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, आप कुछ ऐसे कर रहे होते हो और मुझे पता है कंसेप्ट जरूरी है, तो फिर वो डिस्टर्बेंस लगता है बाबू मेरे, खासी मजाक करके लौट के जल्दी आ जाए करो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स वैल्यू 1,00,000 रुपीज, इस पर जुड़ गई इंपोर्ट ड्यूटी, और फेंक के मार जोर से इसको, इंपोर्ट ड्यूटी लगी, कुछ और नहीं मिला था, यही सही। इंपोर्ट ड्यूटी कितने की लगी, मान लीजिए 10,000 की, आप ये हो गया 1,10,000 रुपए, ठीक है। इस पर आईजीएसटी भी लगता है ना, आईजीएसटी लगेगा। आप लॉ जानते हैं कि आईजीएसटी ये बोलता, अब बताइए जी, अब मैं यहां पर आईजीएसटी कौन सी वैल्यू पे निकालू, 1,00,000 या 110? 110। रीजन कितने पर निकलना चाहिए था, 1,00,000 पे। पर उन्होंने रूल कैसा बना दिया कि जीएसटी जोड़ने, जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई और टैक्स ड्यूटी सेस अगर कोई है तो पहले सबको ऐड कर दो, उसके बाद बाबा दर्शन देंगे, सबसे बाद में ये निकल के आएगा, क्या सबको जोड़ लो, तो ये आएगा ऑन 1,00,000। तो यही है कास्केडिंग, जो बचा हुआ था, कुछ कुछ जगहों पर आता है, ये वो है आपका। अगर ये 18% है तो जितना भी निकल के आएगा 110 पे है 19,800, 129,800। चलो साहब,
साहब चली आए, इडियट्स। अब बचता है आपका आके एस, इडियट्स। एस फॉर अभी ना, आप में से ये जितना पढ़ाया ना मैंने वैल्यूएशन में, किसी को भी रैंडमली यहां बुलाने वाला हूं मैं। रैंडमली यहां बुलाने वाला हूं कि बताओ मैंने क्या पढ़ाया अभी, और क्या करने वाला हूं रैंडमली जो पढ़ा दिया अब तक जितना देवन से पढ़ाया है, कोई एक कॉन्सेप्ट मैं दूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को यहां आकर माइक लगाकर क्लास को पढ़ाइए। यस, तैयार है ना आप इसके लिए? यार ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता, वर्स्ट क्या है कि आप यहां आओगे और ब्लैंक हो जाओगे, यही तो सकता ना, होने दो ना, क्या दिक्कत है, कुछ तो सीखोगे नया कि ब्लैंक कैसे होते हैं। चलो आगे। हाँ सच बता रहा हूं मैं आपको, पहली बार ब्लैंक हो जाओगे, दूसरी बार चार शब्द बोलोगे, तीसरी बार थोड़ी लाइन बोलोगे, चार पांच बार में बोलना शुरू कर दोगे। चलो सब्सिडी, ये है ऐसा कुछ बात है कि ये सप्लायर था, नाम है इसका इंडेन, गैस नहीं आती इंडेन की, ये रेसिपिएंट है, यहां से यहां को जाना था गैस का सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर का जो प्राइस था वो है मान लीजिए 1000 रुपीज। चूंकि रोटी कपड़ा मकान, रोटी से जुड़ी हुई चीज है सिलेंडर, सिलेंडर नहीं तो रोटी नहीं बनेगी। कल आप ही क्लास में से एक बच्चे ने मुझे सिलेंडर प्रोवाइड कराया जो मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने पहल रोटी खाई पहली बार जब से मैं घर से आया हूं अपने से, तब से तो मैं कुछ और ही खा रहा था, पता नहीं क्या खा रहा था मैं, रोटी पहली बार खाई मैंने कल। ये आया अपना 1000 ये आया। अब ये कहते कि यार ये तो रोटी बनाने के लिए काम में लाई जा रही है भाई, ये रोटी बनाने के काम में आ रही है, रोटी कपड़ा और मकान, आपको शर्म नहीं आती 1000 रुपए का सिलेंडर, कम करो इसे। गवर्नमेंट ने इंडियन को बोला, इंडियन क्या जान लेगी बच्चे की, कम कर पैसे। इंडियन कहती है मुझे पड़ता नहीं खाएगा, वायबिलिटी नहीं आएगी मेरी, पड़ता ना खाना मतलब वायबिलिटी ना आना, मेरी वायबिलिटी नहीं आती है, नहीं कर सकता पैसे कम, करने कम करने पड़ेंगे, कर तुम दे दो। वो मैंने कहा ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बोला कि ठीक है बच्चा 300 आपको हम देंगे और तू वहां से 300 रुपए कम लेना, 700 तू वहां से लेना। समझ में आ गई बात, ऐसी मिलती गैस पे सब्सिडी, 300 रुपए क्या है ये सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प सब्सिडी। क्लियर है ना? अभी जीएसटी लगाना है, जीएसटी ऑन रुपीज 1000 और 700। अगर 1000 पे आई तो कितनी आ जाएगा, अगर मान लो 18% है तो 180 आ जाएगा, अगर 1000 पे लगा तो, और सिलेंडर की पूरी कीमत बनेगी आपकी 880। और अगर ये लगा 700 पे तो कुछ और बात आएगा। तो आपके हिसाब से लॉजिकली कितने पर आनी चाहिए, 1000 वाले? एक बच्चा हाथ खड़े कर रहा था लेकिन पड़ोस में देखा कोई नहीं कर रहा, बेटा तू फंसेगा, नीचे कर लिया। क्यों नीचे कर लिया, करो ना हाथ खड़े यार, मेरे तो हाथ में ऐसी है सर, ये जंप मारता कभी कभी, ऐसे मत करो यार। ओके तो यहां पर आकर ये हो गया 700 पे। रीजन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर हम ये 1000 पे चार्ज करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि सरकार पैसा दे भी रही है और उसी पैसे के ऊपर ले भी रही है, ये तो गलत है। अच्छा ऐसी सोच है आपकी तो एक कदम और आगे आ जाओ, फिर इसी पर काय को ले रही है, 700 पे क्यों ले रही है, क्वेश्चन समझिए। 1000 पे ना, 700 पे लिया, बात समझ में आई कि 300 दिए और 300 पे भी जीएसटी लिया तो फिर वही नेट ही कर देते थे, तो नेट दे देते, क्या दिक्कत है। पर मैं कह रहा हूं 700 पे भी क्यों,
जब उसको कमी करना है वैल्यू को, तो 700 पे भी क्यों जीएसटी मांग रहे हो? आ रही बात समझ में? वो इसलिए मांग रहे हैं कि अगर यहां आउटपुट साइड में जीएसटी ना लगाया तो दो नुकसान होंगे। नंबर एक कि इसको आईटीसी ना मिलेगा, इंडियन को इसको आईटीसी नहीं मिलेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली वो आउटपुट की वैल्यू को बढ़ाएगी, राइट है जी? अच्छा, दूसरा चेन टूट जाएगी, जो ऑडी वाले छल्ले हैं ना, वो छल्ले टूट जाएंगे हमारे अगर हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया तो। गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहती, भले ही रेट ऑफ टैक्स 5% कर दे, कम कर दे, पर एग्जेम्प्ट करने से ऑडी के छल्ले टूट जाते हैं, कंट्रोल टूट जाता है उनका। मैं दिखाऊं कई जगह, ये प्रूफ करूंगा चीज में, कि गवर्नमेंट चाहती थी कि टैक्स बिल्कुल ना हो, उल्टा मदद करना चाहती, बट स्टिल वो जीएसटी चार्ज कर रही है। इस एलपीजी के ऊपर जीएसटी चार्ज करने का सिर्फ यही लॉजिक है, वरना सरकार जिस चीज पर खुद सरकार उल्टा दे रही है उस पर जीएसटी लेने का भला क्या लॉजिक हो सकता है? एम आई राइट? चलो, अगर ऐसी बात है तो यह तो बैकग्राउंड क्वेश्चन था, असल क्वेश्चन तो अब है। यहां पर है ये एक, ये यहां पर है भाई साहब, एक क्वेश्चन आपके लिए, और श्री राम फर्टिलाइजर SRF, इसका ऑडिट किया था हमने, हमारी आर्टिकलशिप थी ठाकुर वैद्यनाथ तैयार एंड कंपनी TVA में, तो वहां दिल्ली, उड़ीसा के गवर्नर रामेश्वर ठाकुर, उनकी फर्म है ये यहां पर आकर टॉप 20 में आती है, श्रीराम फर्टिलाइजर्स SRF, है ना? तो ये फर्टिलाइजर फार्मर्स को देती है, और यहां पर इसकी जो वैल्यू रखी गई वो आई 1,000 रुपीज की। और ये घंटी है, या तो पैसे आए या पैसे गए। आ गए पार्टी जीएसटी। यहां पर सुनो, 1,000 रुपये का बैग था, 1,000 रुपये का बैग था, और इस पर बात निकल के आई कि भाई जीएसटी का क्या? फार्मर्स वैसे ही गरीबी झेल रहे हैं, और ऊपर से इतना महंगा फर्टिलाइजर, भाई दिक्कत है। तो एक एनजीओ, एक ट्रस्ट बीच में आता है, एनजीओ कह लो ट्रस्ट कह लो, उसने कहा कि भाई श्रीराम फर्टिलाइजर ऐसा मत करो, हम तुमसे ये तो नहीं कह रहे कि तुम पैसा कम चार्ज करो उनसे, पर हाँ कुछ पैसे की मदद आपको हम कर देते हैं। सलमान खान का एक वो है ना फाउंडेशन, बी ह्यूमन, दो बच्चों की, 3 साल पहले दो बच्चों की फीस मुझे वहां से आई थी, बॉम्बे के बच्चे थे और उस फाउंडेशन से मुझे पैसे आए थे। तो ऐसे ही यहां पर ये किसी एनजीओ ने मदद कर दी कि ठीक है भाई साहब, 1,000 रुपये में ना 300 हम आपको देंगे, उतना पैसा तुम यहां से कम लेना, तो बिलिंग जो करोगे 700 पे करना। अभी जीएसटी बताइए कितने पर आएगा, है 700 पे पक्का? 10,000, 1,000 पे, 1,000 डाउन, 700। अगर मैं यहां पर 700 पे लगाता हूं जीएसटी, बताना कितना आएगा? 123। हाँ हाँ आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, 1826, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लॉ बन गया तो बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? अगर ऐसा लॉ बना दिया जाए कि ठीक है 700 पे जीएसटी लगवा दो, ये लॉ का पार्ट बन गया, तो इससे क्या ब्लंडर हो जाएगा? मेरा बैच मान लीजिए फीस आती है 1 करोड़ की,
पूरे पे जीएसटी भरना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्रस्ट में ही बनाऊंगा, बच्चों को बोलूंगा पैसे मुझे ना दो, इसमें भरो, इसमें डोनेशन दे दो, और वो सारी फीस मुझे देगा एज ए सब्सिडी। पैसा घूमकर मेरे पास आ गया। इक्का दुक्का बच्चे की मान लो 1 करोड़ में से 1 लाख मैंने डायरेक्ट ले लिए, 99 लाख ट्रस्ट से ले लिए। आपका लॉ क्या बोलता है कि जो सब्सिडी मिली है उसे हटा दो, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपए पर आती। तो ऐसा करने से बड़ा ब्लंडर यहां पर हो जाएगा। तो फिर तुमने पुराने वाले केस में ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि वहां सब्सिडी देने वाली गवर्नमेंट है। तो कहना क्या चाहते हो कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो एक्सक्लूड, और अगर ना दे तो रिमेन इनक्लूडेबल। बन गया लॉ, यही तो लिखा है। चलो लिख दो यहां पे, और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मैं जस्टिफाई कर रहा था कि गवर्नमेंट की ही क्यों, उससे क्या दिक्कत है, ये जस्टिफाई हो गया है। तो इसमें लिखेंगे गवर्नमेंट सब्सिडी है तो उसको हम करते हैं एक्सक्लूड, और अगर कोई नॉन गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसे करते हैं यहां पर आकर हम लोग इंक्लूड। ठीक साहब, अच्छा तो इडियट्स वाली बात हमारी हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू किसे कहते हैं पता है, इनवॉइस वैल्यू किसे कहते हैं पता है, और इसमें कुछ एक प्लस माइनस भी आपके होते हैं, और प्लस माइनस होते हैं इडियट्स। इडियट्स का मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडेबल, डी का मतलब डिस्काउंट एक्सक्लूडेबल, आई का मतलब इंटरेस्ट और पेनल्टी इंक्लूडेबल, ई डी ओ ओ मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर, ये इंक्लूडेबल, टी अदर टैक्सेस इंक्लूडेबल, एस मतलब सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी एक्सक्लूडेबल, अदर सब्सिडी इंक्लूडेबल। एक बात होती है रटना, एक होता है दिमाग में सेट हो जाना, क्वेश्चन आएगा तुम कर दोगे बिना एक बार भी रिवाइज किए चीजें, क्योंकि तुम्हें लॉजिकली पता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना है। ठीक है जी, तो अब मैं अपने डायग्राम की तरफ आता हूं, और मैं यहां आ गया हूं, और इसमें ये था कि 5 गेट हमारे हो चुके थे, और इसमें आकर यहां ये तय हो गया था, फिक्स हो गया था कि जीएसटी लगेगा, तो कितना लगेगा उसकी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे। कैलकुलेशन के लिए हमें रेट ऑफ जीएसटी चाहिए होता है। जीएसटी के रेट क्या है, 5%, 12%, 15%, 18%। रेट्स आपको एक भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सी इंस्टीट्यूट ने स्पेशली मना किया है। सर्विसेज के रेट भी वही है, लेकिन रेट्स आपको याद नहीं रखने हैं। अब आती है यहां पर असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू, और ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, और ये एडजस्टमेंट आ गई आपकी इडियट्स वाली, यहां पर हो जाती है आकर। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन मालिक कभी कभी ऐसा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः, मतलब क्या, ये संस्कृत था वैसे, ये क्या होगा कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान धरती पर आते हैं, इसका मतलब ये है। मैं ये कहता हूं कि आज हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के पीछे भाग रहे हैं, हालांकि 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के पीछे भाग रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं होती या रिलायबल नहीं होती। सप्लाई तो है, अवेलेबल नहीं है, रिलायबल नहीं। जैसे अवेलेबल कब नहीं होती है, सप्लाई तो है पर ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है। फोर एफओसी ट्रांजैक्शंस, आरबीआई की एजेंसी, सप्लाई होती है लेकिन प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, उस दशा में आप वैल्यू कैसे निकालोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, कभी कभी वैल्यू रिलायबल नहीं होती है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, पत्नी ने पति को बेचा, मतलब पति को गुड्स बेचा पत्नी को गुड्स बेचा, मैंने शब्द रिकॉल करे, तुम पकड़ ना लो, उससे पहले मैंने खुद ठीक कर दिया, गुड्स बेचा, और गुड्स बेचार पैसे लिए 1000, क्या ये प्राइस रिलायबल माना जा सकता है,
नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिलायबिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब जब ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी या रिलायबल नहीं होगी, तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू नहीं बनाएंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू मान के चलो जैसे कि ये एक कन्या है, और असेसेबल वैल्यू मान के चलो जैसे कि एक दुल्हन है। जब ट्रांजैक्शन वैल्यू रूपी कन्या अवेलेबल होगी और रिलायबल होगी, तभी उसे हम तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, लेकिन अवेलेबल हो और रिलायबल हो। अगर वो अवेलेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊंगा उसे एसेसिबल वैल्यू। क्या करेंगे फिर? तो क्या करते, सुनिए हमारी बात। जब हमारी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू रूपी कन्या खो जाती है तो ढूंढते हैं। जब मां सीता को रावण ले गया था, तो भगवान राम भी ऐसे विलाप करते हुए घूम रहे थे, किस वन में, सीते सीते ऐसे घूम रहे थे ना, सभी इनकी मदद की थी। ऐसे ही हम भी घूमेंगे, चंपा चंपा चंपा, हम भी ढूंढ रहे हैं, हमारी भी खो गई है। अब सवाल एक उठता है बाबू, सवाल ये उठता है, एक सवाल उठता है कि हमें कैसी चंपा चाहिए। प्लीज मैं एग्जांपल अच्छा दे रहा हूं, समझ में आएगा, लेकिन आप डिस्टर्ब मत करो, थोड़ी देर बाद में कर लेना, पर पूरी बात खत्म हो दो। कि हमें कैसी चंपा चाहिए, हमें मॉडर्न चाहिए, देसी चाहिए, या अपनी वाली चंपा चाहिए? अगर तुम होती तो कैसी होती, वो वाली चाहिए, क्योंकि मेरी चंपा अवेलेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल होती या रिलायबल होती तो कैसी होती, वो वाली चाहिए या कोई और ही चाहिए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, एक जो लकड़ी काटने वाला होता है, वुड कटर होता है, एक्स होती है उसकी, वो लकड़ी काटता है। शॉर्ट में बताता हूं, वो लकड़ी काट रहा था, उसकी जो एक्स थी, एक्स मतलब वो एक्स नहीं, ए एक्स ई एक्स, उसकी जो एक्स थी वो नदी में गिर जाती है, रोने लगता है, प्लीज रिक्वेस्ट, वो रोने लगता है, और वहां भगवान जी आते, फिर कि तू रो रहा है, कह रहा मेरी एक्स जो वो नदी में गिर गई है। एक्स नदी में गिर गई है, तो भगवान उस पर दया दिखाते हुए नदी में डुबकी लगाते हैं, और पहले सोने की, गोल्ड की एक्स कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। वो कह रहा प्रभु ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है भगवान। भगवान जी दोबारा जाते हैं, फिर चांदी की लेकर आते हैं, सिल्वर की, कह रहा ये भी मेरी नहीं है। फिर लोहे की लेकर आते हैं कि हाँ प्रभु यही मेरी वाली कुल्हाड़ी है, ये मेरी वाली एक्स है, मुझे यही चाहिए। तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमें ना चाहिए कि बेबी डॉल में सोने की, नहीं चाहिए सोने की डॉल, हमें सोने की चंपा नहीं चाहिए, ना चांदी की चंपा चाहिए, हमें अपनी चंपा चाहिए, चंपे हमें अपनी चंपा चाहिए। अब अपनी चंपा कैसे मिलेगी, यह तो क्लियर है कि चाहिए क्या, क्लियर है ना, अब अपनी कैसे मिलेगी? तो हमारे, तुम पता कॉन्सेप्ट को मिस कर दोगे, बात बड़ी शानदार बता रहा हूं, हमारे जैसी चंपा किसके पास होगी, जो दिखने में हमारे जैसा होगा। हमारी चंपा या जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो उसके पास होगी, बिल क्लिंटन के पास तो नहीं होगी ना, उसकी तो अलग होगी, अल्ट्रा मॉडर्न। हमारी चंपा किसके पास होगी, जो हमारे जैसा होगा। तो पहले चंपा ढूंढने से पहले हमें हमारे जैसा ढूंढना है, और फिर उसकी चंपा को लेंगे और एक मंत्र बोलेंगे, ओम पवित्र पवित्र वयम सर्वतम तम पीवा, और उसे अपने पास ले आएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि हमें जिस गुड्स की वैल्यू अवेलेबल नहीं है उसका जैसा गुड्स ढूंढो, आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स, उसके जैसा गुड्स, और उसकी जो चंपा, उसकी जो वैल्यू है उसे पकड़ो, पकड़ के उसमें एडजस्टमेंट करो, प्लस माइनस करो। कितने 3000
दूसरे आइडेंटिकल गुड्स की चंपा में प्लस माइनस करो, एडजस्टमेंट्स करो। एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आए वो इसकी असेसिबल वैल्यू बना दी जाएगी, शॉर्ट में बोलें तो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सेम गुड्स या सिमिलर गुड्स या आइडेंटिकल गुड्स, ऐसे ढूंढते हैं। अच्छा, बार्टर का अगर केस है, बार्टर का केस है अगर, तो उसमें जीएसटी तो आएगा लेकिन वैल्यू नहीं होती। कैसे निकालोगे? ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। एक्सचेंज का केस है, पुरानी कार दी और कुछ पैसे दिए, तो पुरानी कार का वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा ना भाई, कैसे करोगे? ऐसे करोगे। तो जब जब ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल ना हो या रिलायबल ना हो तो हमें आना पड़ता है, वैल्यूएशन रूल्स दे रखे हैं। जो मैंने बताया सारा का सारा वैल्यूएशन रूल्स था, जिसमें तीन तरह के मेथड होते हैं। एक होता है कंपैरिजन वैल्यू या कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मतलब कि कंपेयर किया कि मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स उसकी चंपा को लेकर आए, ये कंपैरेटिव मेथड है। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स या सिमिलर गुड्स एक कंपैरेटिव मेथड है। कभी कभी कंपैरेटिव मेथड काम नहीं करता, आइडेंटिकल सिमिलर कॉमोडिटी बाजार में अवेलेबल नहीं होती, तो क्या करोगे? तो फिर हम करते कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे कि आपने अगर महाभारत देखा हो तो उसमें एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। द्रोणाचार्य ने, उसने एकलव्य ने क्या किया कि जंगल में गए और मिट्टी की एक गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, एक मूर्ति बनाई और उसी को गुरु मानकर अपनी शिक्षा उन्होंने आरंभ कर दी थी। तो ऐसे ही हम भी यहां पर कुछ कंप्यूट करके आर्टिफिशियल चंपा बनाएंगे और उसी को दुल्हन बना देंगे, मतलब उसी को असेसिबल वैल्यू बना देंगे हम लोग। और अगर ये भी ना हो तो फिर कुछ और तरीका निकालेंगे, कुछ और तरीका को बोल देते हैं बेस्ट जजमेंट। क्या बोलते हैं? बेस्ट जजमेंट, कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुमसे पूछ पूछ कर जो तुम्हें ठीक लगेगा उन सर्कमस्टांसेस के अंदर उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन करके हम चलेंगे। पर दुख की बात यह है कि ये वैल्यूएशन रूल वाला पार्ट तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बताया क्यों? बताया इसलिए, 10 मिनट इसलिए लगाए कि तुम्हारे पास बार बार क्वेरी आती कि एक्सचेंज हुआ, बार्टर हुआ, यहां तो वैल्यू है नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये क्वेरी बार बार आपकी आती। तो मैंने 10 मिनट इसलिए उस पर डाले कि देखो अगर यहां फंस जाओगे तो आपको यहां जगह मिलेगी, बट इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, चलेगा? क्लियर है? एक बात बताऊं मैं छोटी सी आपको, जब बुक से पढ़ेंगे ना बुक से, तो साहब करीब 60% चैप्टर पढ़ लिया आपने, यूं चलेंगे चैप्टर हमारे, यूं हंसते खेलते कूदते हुए, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप इस डायग्राम से ही। पढ़ेंगे सारा कुछ, थरली पढ़ेंगे, एक एक बात को पढ़ेंगे, पर क्या है कि इन्हीं के अंदर की कुछ और बातें डिटेल में थोड़ा देखने को मिलेंगी। वैसे करके आगे आता है आरसीएम या एनसीएम। एक डेमो मुझे यहां देना है, आरसीएम या एनसीएम। तो मुझे एक मैं हो गया, दो लोग और चाहिए, तो यहां से आओ, आप भी आ जाओ, दो आ जाओ, एक आप आ जाओ, एक आ जाओ, आ गया, आ गया, आ गया। अंदर आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है यहां पे। इसको बोला स्क्रीन पूरी कर देगा, स्क्रीन फुल स्क्रीन। ये भाग कहां जाता है? जी स्क्रीन में अपने आप को रखो। तो ये है यहां पर ब्लू वाली गवर्नमेंट, ब्लू वाली गवर्नमेंट, यहां ये सप्लायर हैं और हम यहां पर रेसिपिएंट हैं, ठीक। आपको ये बताना होगा, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, रिवर्स चार्ज भी और नॉर्मल चार्ज भी। नॉर्मल चार्ज का दूसरा नाम क्या है? फॉरवर्ड चार्ज। तो नॉर्मल चार्ज एनसीएम बोलूं या एफसीएम बोलूं मतलब एक है, आरसीएम मतलब रेसिपिएंट पे करेगा। एनसीएम आरसीएम दोनों केस करके दिखाएंगे, आपको बताना है
कि किसके लिए कौन सा मैकेनिज्म अच्छा है, किसके लिए बुरा है, वो आपको एनालिसिस करना होगा। करेक्ट है जी। तो इन्होंने पेलेंसियम, देखते हैं, इन्होंने मुझे सप्लाई दी है, सप्लाई की वर्थ थी 1,000 रुपये प्लस जीएसटी। तो सप्लाई दो, तो मुझे सप्लाई देनी है, 100 रुपये नहीं देने, सप्लाई देनी है, सप्लाई मेरे बच्चे, सप्लाई देनी है। चलो, ये मैंने सप्लाई इनसे ले ली, यहां पर आकर ये सप्लाई आ गए। अब मैं इनको दूंगा यहां पर आकर साहब पैसे। कितने पैसे थे? 1,000 प्लस 1,180 रुपये, 1,000, 1,000 की सप्लाई और 1,100। छठे पैसे किसी के पास? 180 रुपीज चाहिए मुझे, 1,000 तो मेरे पास होंगे, 100 ये रहे, 80 रुपीज चाहिए मुझे, 80 रुपीज चाहिए, 50 ये क्या, 80 रुपीज करो, 20, 70, 10 रुपये और चाहिए मुझे। हो गया, हो गया, सब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, 180 रुपीज। मैं बिल्कुल रियल डेमो देना चाहता हूँ, वो पैसे भी डमी नहीं होने चाहिए। तो 1,000 रुपये ये रहे साहब, 100 रुपये ये रहे, और 50, 20 एंड 10, पूरे 1,180 रुपये यहां पर हैं। मैंने इनको ये पैसे दे दीजिए, लीजिए साहब। ठीक, अब देखो सुनो, डेमो कब दिया जाता है? जहां पर क्वेरीज के चांसेस ज्यादा होते, इसलिए बी सीरियस। ये फुल स्क्रीन कर दो सामने ना। तो अब मैंने इनको पैसा दिया, तुम्हारा अपना पैसा कितना है इसमें? 1,180 तुम्हारा अपना पूरा है, या फिर ये पूरा पैसा, अब ठीक है, ये पूरा पैसा तुम्हारा है, ये इसमें से कुछ तुम्हें सरकार को देना है, पीछे हो जाओ, सरकार को देना है ना, दीजिए, सरकार के देना नहीं है, सरकार को भी देना है, 180 रुपीज, 180 दे दिए। ठीक, अच्छा, ये ट्रांजैक्शन B2B थी, ये ट्रांजैक्शन B, क्या मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट बुक कर लूंगा? मैंने गवर्नमेंट से क्रेडिट ले लिया नहीं, क्रेडिट लिया सर, पैसे तुम्हारे पास में, क्रेडिट ले लिया 180 रुपीज का। ठीक है, मेरी नेट कॉस्ट क्या पड़ी? मेरी नेट कॉस्ट क्या पड़ी बोलो, जोर से बोलो, मेरी नेट कॉस्ट क्या पड़ी? हाँ, 1,000, 1,180, 1,000। मैंने 1,180 यहां दिया, 180 का क्रेडिट ले लिया, माई नेट कॉस्ट इज 1,000, याद रखना। आपकी पॉकेट में कितना देख लो ना, 100, आपके पास नेट क्या बचा? पक्का? ये है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, 1,000 इनके पास, माई कॉस्ट 1,000, गवर्नमेंट रेवेन्यू 180। रीटेक करते हैं, दोबारा से लाइए दूसरा टेक, इस बार करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सरकार ने देखा कि ये आदमियां ठीक नहीं है, और मुझे लगता है तुम्हारी क्लास में भी रेपुटेशन ठीक नहीं है, तो यहां पर आकर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं राजकुमार जी, एक काम करना, इस दुष्ट आदमी को, तुमने इस पापी आदमी को तुम पैसे मत देना, ये हमें देता नहीं है पैसे, तुम डायरेक्ट हमें दे जाना। तो मैंने कहा कि साहब, अब अगर डायरेक्ट मैंने सरकार को देना है तो इसका मतलब ये कि आई हैव अ रजिस्ट्रेशन। मैं तो पहले बोला था B2B ट्रांजैक्शन, तो मैं तो पहले से रजिस्टर्ड हुई हूं, मांगो उसी से, जिद खुशी से, तो इजीली मैं दे सकता हूं उनको पैसे वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर RCM लगेगा तो मैं आपको कितने पैसे दूंगा? 1,000, कोई दिक्कत? 180 तो ना दूं ना इनको, 180 किसे दूं? डायरेक्ट टू गवर्नमेंट, ये लीजिए साहब, पक्का? अब मुझे बताइए, मैं इस 180 का क्रेडिट ले सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, ये 180 मेरा इनपुट टैक्स था या आउटपुट टैक्स? पक्का ना? केले के पेड़ पर केला लगता है, आम के पेड़ पर आम लगता है,
मैं कोई वाहियात बात नहीं करता, मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ। केले के पेड़ पर केला लगता है, आम के पेड़ पर आम लगता है। इनवर्ड सप्लाई से अगर कुछ जन्म होगा तो इनपुट टैक्स का ओनली, आउटवर्ड सप्लाई से जन्म होगा तो आउटपुट टैक्स का ओनली। जैसे केले पर आम नहीं लग सकता, ऐसे इनवर्ड सप्लाई से आउटपुट टैक्स नहीं आ सकता। ये जो सप्लाई ली थी मेरी इनवर्ड थी कि आउटवर्ड थी? इनवर्ड थी ना। अभी चाहे टैक्स इनको जाए, इनके थ्रू जाए या डायरेक्ट जाए, टैक्स तो इनपुट टैक्स ही रहेगा ना भाई। इनपुट टैक्स आगे चलकर इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है, आउटपुट टैक्स थोड़ा ना बनेगा। इनपुट टैक्स तो क्रेडिट बनेगा ना, वो क्रेडिट बन जाता है। आई रिपीट माई क्वेश्चन अगेन, क्या मैं 180 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूं? यस और नो? एक बात और प्रूफ हो गई डेमो में कि चाहे इनवर्ड सप्लाई पर चाहे टैक्स आरसीएम में भरा गया हो या एनसी में भरा गया हो, क्रेडिट तो मिलके रहेगा। इट इज नॉट रेलिवेंट कि टैक्स कैसे भरा गया। क्लियर पॉइंट? अच्छा, अब मैंने क्रेडिट ले लिया, मेरी कॉस्ट क्या है? मैंने कितना दिया? 1000 यहां दिया, मैंने 180 यहां दिया, मेरा आउटफ्लो रहा 1180। मुझे क्रेडिट कितना मिल गया? मेरी नेट कॉस्ट क्या है? आपके हाथ में कितने पैसे दिखाओ जरा खोल के। 1000 आपके पास कितना है खोल के दिखाइए। ये है 180 रुपीज। अब मुझे बताइए फायदा फाइनेंशियल एंगल से किसको फायदा हुआ? आरसीएम लगने से, आरसीएम लगने से फायदा किसको हुआ? फाइनेंशियल एंगल पूछ रहा हूं, सिर्फ पैसे के एंगल से। यानी कि जैसा एनसीएम में था ता वैसा ही आरसीएम में है। एग्रीड? यानी कि आरसीएम लगने से किसी की हेल्थ पर कोई बहुत अच्छा या बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब उल्टा क्वेश्चन आता है कि फिर लगाया क्यों? जब कुछ हुआ ही नहीं इससे, अब तो लाए क्यों, लगाया क्यों? क्वेश्चन समझ में आया कि जब उसके आने से कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा तो फिर क्यों लेके आए इसे आप? मैं बताता हूं, जब ये आरसीएम एक शौक है या मजबूरी है? बड़ा बड़ा कहीं लिख देना, जैसे गदर एक प्रेम कथा, ऐसे ही आरसीएम ब्रैकेट में एक मजबूरी है। ये शौक नहीं हमारा आरसीएम लगाना, ये मजबूरी है। कब लगाते हैं? नंबर एक, जब जब हमारा सप्लायर पे कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल 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 नहीं होता है। जैसे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लायर ओवरसीज बैठा हुआ है, मेरा कंट्रोल नहीं है, नहीं जा सकता मैं सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे, नहीं जा सकता मैं, बंधे हुए हमारी टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं आता वो। ठीक बोला मैं? हमारी टैक्सेबल टेरिटरी में आईजीएसटी लगता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे। आईजीएसटी का क्या टैक्सेबल टेरिटरी है? विद इन इंडिया, इसलिए वहां पर रिवर्स चार्ज लगाया जाता है। दूसरी बात, जब जब सप्लायर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से होता है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब? नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे बोला जाता है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे ट्रेस किया जा सके, ट्रैक किया जा सके। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब बिखरा हुआ, यानी कि सप्लायर एक इंडिविजुअल सी ही है। बेस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट। हमारे हिंदुस्तान में हर पांचवां व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, हर पांचवां व्यक्ति। करोड़ों लोग इंश्योरेंस एजेंट मिलेंगे। अब इंश्योरेंस एजेंट अपनी जो सर्विस देते हैं, एलआईसी से उन्हें मिलता है अपना कमीशन, उस कमीशन पर जीएसटी। क्या हर एक एजेंट से मांगे? एजेंट ऐसे हैं जैसे पेड़ पर पत्ते लगे हुए होते हैं। क्या एक एक पत्ते पर जाकर जीएसटी लाया जा सकता है? लेकिन पत्ते कहां से कनेक्टेड हैं? रूट से। तो पत्तों की बजाय अगर रूट को ही पकड़ लिया जाए तो सारे पत्ते आ जाएंगे कंट्रोल में कि नहीं आएंगे? पक्का ना?
तो इन्होंने LIC को पकड़ लिया कि तुम्हारे जितने भी लाखों एजेंट हैं, भाई एजेंट के केस में अगर आप सभी एजेंट हो और मैं LIC हूं तो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू मी, मैं आपको कमीशन देता हूं, आप मुझे बिजनेस ला के देते हो, राइट? यू आर द सप्लायर, आई एम द रेसिपियंट ऑफ योर सर्विस। गवर्नमेंट आपसे GST नहीं ले पा रही है, तो यहां पर गवर्नमेंट का LIC, तुम जब अपने इस व्यक्ति को पेमेंट करो ना भाई, तो हमें GST का पेमेंट आप रिवर्स चार्ज में कर देना, क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि सबसे GST मांगती फिरे। कि अगर यहां पर ये कोई एक पेड़ है, यहां पर ये पेड़ है अगर यहां पर, तो इतने सारे इसके पत्ते हैं भाई साहब, इन पत्तों कोई नहीं, इन पत्तों की बजाय अगर हम जड़ को नीचे से पकड़ लें तो पूरा का पूरा एजेंट का जो सर्कल है, जो गैंग है, वो हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने सुविधा के लिए, फैसिलिटी के लिए, कि ऑर्गेनाइज तरीके से हम ले पाएं, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया। तो दूसरा रीजन मैंने आपको दिया कि रिवर्स चार्ज लगाया क्योंकि जब सप्लायर या तो कंट्रोल में नहीं होता या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ताल्लुकात रखता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है। तीसरा रीजन, जहां पर कि सरकार डरती है, एडवोकेट सर्विस टैक्स के टाइम से डरती आ रही है, सरकार डरती है एडवोकेट से, तो अगर ये एडवोकेट हैं और मैं इनका क्लाइंट हूं, ये एडवोकेट है, मैं इनका क्लाइंट हूं, तो यहां पर GST लगेगा, लगेगा, लेकिन रिवर्स चार्ज में, मैं डायरेक्ट इनको पे करके आऊंगा। इनके हाथों में पैसा जाने पर ये गवर्नमेंट पर केस तो कर सकते हैं लेकिन पैसे देते नहीं है। ये गवर्नमेंट की अपनी खुद की एक्सपीरियंस रहा है इस लॉबी के साथ में, इसलिए गवर्नमेंट RCM लगा देती है। पर आपके मन में प्रश्न आ सकता है, इसलिए पहले ही आपको बता दूं, सर मान लीजिए वकील साहब हैं और मैं एक आम आदमी छोटा सा गांव में रहता हूं, गांव में झगड़ा हो गया, वकील के पास मैं आया, वकील साहब सर फोड़ दिया सामने वाले ने, थोड़ी हेल्प कर दो, इन्होंने कुछ सलाह मशवरा दिया, 5,000 रुपये की फीस मुझसे ले ली इन्होंने, ठीक है, GST लगेगा, अभी तो बात कर रहे थे ना, RCM लगेगा, लगेगा। RCM लगाने से पहले एक बात जरूर सोचनी, आई थिंक 20 बार तो मैं बोल चुका हूँ, मांगो उसी से जो रेसिपिएंट यहां GST नहीं दे सकता है, ये देगा नहीं और ये दे नहीं सकता है, क्या करें? जब ऐसा आए तो एक ही शब्द याद आता है, अंगूर तो खट्टे हैं। गवर्नमेंट ने ऐसी ट्रांजैक्शंस को एग्जेम्प्ट कर रखा है कि जाओ हम लेते नहीं। अरे तुम ले नहीं सकते, ये मत हो कि ले नहीं रहे, ले नहीं सकते तुम। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक बड़ी कंपनी हूं, अच्छा खासा टर्नओवर है, GST में रजिस्टर्ड हूं, और मैं इनके पास पहुंचता हूं कि भाई मेरा एक लिटिगेशन में केस चला गया है, मेरी हेल्प करो वकील साहब, वकील साहब ने 1,00,000 रुपए की मुझसे फीस ले ली, क्या इस पर RCM लग जाएगा? अब रेसिपिएंट मजबूत आदमी दिखाई दे रहा है, अब आसानी से GST लिया जा सकता है, तो इस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, टैक्स लगेगा भी और GST भी रिवर्स चार्ज में दिया जाएगा। आई होप RCM का फंडा क्लियर है आपके लिए, पक्का ना? थैंक यू सो मच। आपके पैसे कौन से दे रही ना, आपके पास है ना, ठीक, थैंक यू। तो यहां पर आकर ये था आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड ये लिखा हुआ है जी, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि NCM और RCM में कोई फर्क नहीं है, बस पैसा डिफरेंट रूट से घूमकर पहुंचता है। RCM लगाया भी क्यों जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आज का लास्ट पॉइंट है टाइम ऑफ सप्लाई, 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स ओनली, प्लीज बाबू मेरी बात सुनो, मेरा सिलेबस रह जाएगा, जस्ट 5 मिनट मांग रहा हूं आपसे, मैं इससे ऊपर नहीं लूंगा। 5 मिनट होने से पहले क्लास वाइंड अप, और कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। टाइम ऑफ सप्लाई, ये देखो हमने यहां पर ये डिटरमिन कर लिया कि GST लगना है, ये भी देख लिया कितना लगना है, ये भी देख लिया कौन भरेगा, अभी देख रहे हैं कब भरेगा। तो कब के लिए वी नो वेरी वेल दैट सप्लाई डे इज द इंपॉर्टेंट डे, है ना, सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई सब कुछ है, वो है तो GST है, वो नहीं तो GST नहीं, यानी कि GST की मदर है सप्लाई। अब यू बहुत सारे डे आते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, स्लैप डे, बहुत डे, डे डे, हर डॉगी का भी डे आता है हमारे इंडिया में, तो ना कहते ना हर कुत्ते का भी दिन आता है, एक तो डॉगी का भी डे आता है, डॉगी डे।
तो अब ऐसे ही एक होता है सप्लाई डे, अन्ना मन्ना डे, सप्लाई डे, ऐसी एक सप्लाई डे भी है। अभी सप्लाई डे कौन से डे को मानोगे सप्लाई डे? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ। क्योंकि सुनो, क्योंकि जिस महीने में सप्लाई डे आएगा, जिस महीने में, उस महीने के अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू चेक इन विच मंथ योर सप्लाई डे अकर्ड। तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट हुआ जनवरी में, इनवॉइसिंग हुई फरवरी में, डिस्पैच हुआ मार्च में, रिसीव हुआ वहां पर, और भी बहुत सारी घटनाएं आ सकती हैं। पेमेंट की डेट अलग है, पेमेंट का मंथ अलग, इनवॉइस का मंथ अलग, कंप्लीशन का मंथ अलग है, डिस्पैच का मंथ अलग है, रिसीविंग का मंथ अलग है, एग्रीमेंट का मंथ अलग है, अलग अलग मंथ हो सकते हैं। तो कौन से मंथ में मानो, कौन से डे पर मानो कि सप्लाई हो गई? समझ में आ रहा? कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसी के लिए यहां पर आता है नॉर्मल नियम कानून आता है कि भाई इनवॉइस, जो आपका इनवॉइस की डेट है उसको ले लिया जाता है एज, क्योंकि इनवॉइस कटते ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है। बिलिंग जब तक ना हो तब तक कैसी ट्रांजैक्शन भला? तो उसी को सप्लाई डे मान लिया जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि बिलिंग से पहले एडवांस आ जाता है, हाँ या ना, एडवांस पेमेंट आ जाता है। अगर पेमेंट एडवांस में आया है तो गवर्नमेंट के, अच्छा गवर्नमेंट क्या चाहेगी, सप्लाई डे जल्द से जल्द आए या लेट से लेट? क्योंकि जितना जल्दी ये आएगा उतना जल्दी सरकार को कलेक्शन मिलेगा। इस पूरे चैप्टर में आपको कभी भी कंपैरिजन करने को देखने को मिलेगा ना, तो क्या बोलेगा, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, लेटर तो एक बार भी शब्द नहीं आएगा, विच एवर इज अर्लियर, बड़ी जल्दबाजी में यहां पे। तो अगर पेमेंट इनवॉइस से पहले आ गई, मीनिंग देयर बाय एडवांस पेमेंट आ जाती है, एडवांस पेमेंट अगर आई हुई है तो हम क्या करेंगे वहां पर? तो बोल दिया पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज, पेमेंट आ गई तो भी आपको जीएसटी भरना पड़ जाएगा। तो ऐसी ही कुछ बातें यहां पर हम करके चलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में। इतना समझ में आ गया ना कि क्या होगा यहां पर आकर, एंड उसके बाद फिर ये कंप्लायंस होंगे अपने। तो कल मैं आपको ये कंप्लायंस के लिए, जैसे पेमेंट कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, इनके लिए ना हल्का हल्का सा वो बताऊंगा, जीएसटी पोर्टल। कल नहीं क्लास, तो आज ये घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा लें दो यार, ये कर लेते हैं। अच्छा एक बात पूछ लो, छुट्टी तो कर रहे हैं लेकिन एक बात बताओ, मैं ये 3.5 घंटे हो गए लगभग, हमें 4 घंटे होने को आ रहे हैं, मैं नहीं थकता, आप थक जाते हो क्या? सच में मैं लगातार एक क्लास और पढ़ा सकता हूं, नहीं तो डेमो लेके देख लो। चलो थैंक यू सो मच, बाय टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।
हेलो हेलो, डीटी का लेक्चर उधर होगा, लॉ का लेक्चर इधर होगा।